जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। क्रिटिकल एनालिसिस में सबको वेलकम। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था, अगर पिछला सेशन आपने अटेंड किया हो, वी वर कंटिन्यूइंग एंड टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड मेनली मिडल ईस्ट की बात हो रही थी। तो आज का भी जो टॉपिक कंटिन्यू वो होने वाला है, इट इज़ रिगार्डिंग ईरान्स इन्वॉल्वमेंट इन मिडल ईस्ट। ईरान क्या स्टांस है उसका जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, ईरान कहाँ पे स्टैंड करता है विद इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पैलेस्टाइन, एंड व्हाट आर इट्स प्रॉब्लम्स विद यूएसए। ये तो हमारे साथ आज एक और प्रेजेंटर भी हैं विच इज़ फ्रॉम आवर टीम, जो के इस टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले मैं इंटरव्यू के बारे में जानना चाहूंगी। इंटरव्यू एक प्रोवाइड किया गया था, इट वॉज अबाउट 12 मिनट्स। वो अगर किसी ने देखा है उस पे, व्हाट आर योर व्यूज? इंटरव्यू था बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के हुसैन आमिर और यूएस के स्पोक्स पर्सन स्टीव इंस्कीप के बीच में, एंड इट वाज अ शॉर्ट इंटरव्यू। और उसके अंदर जो चीजें डिस्कस की गई थी, इट वाज आल्सो प्रोमिनेंट एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। तो इफ यू हैव एनी कॉमेंट रिगार्डिंग दैट इंटरव्यू, उसकी हाइजीन पे अगर किसी ने फैक्ट चेकिंग की है उस इंटरव्यू की, तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कैन यू टेल मी इन द कॉमेंट्स इफ एनीवन हैज सीन द इंटरव्यू? ओके, लेट मी एक्सप्लेन अ बिट अबाउट जो इंटरव्यू में पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। स्पोक्स पर्सन ईरान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और यूएस का जो स्पोक्स पर्सन था ही वो स्टीव, एंड टॉपिक यही था कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग ईरान कहाँ पे स्टैंड करता है, ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है, और हमास से रिलेटेड ईरान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आर दे अ टेररिस्ट ग्रुप और आर दे डू दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट वॉज अ शॉर्ट इंटरव्यू। ओके, यू डिडंट गेट इट? Any specific fact? Okay, let's involve someone else. Zia, what did you gain or pick within that interview? अस्सलामुअलैकुम। Right. जो इंटरव्यू ये दिया गया था क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, तो उसमें चार छह बातें हैं मेन मेन। पहले तो उनसे ये पूछा गया कि आपका इस वॉर के स्पिल ओवर पे क्या ख्याल है। आजकल बहुत सभी ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पिल ओवर। तो यानी ये क्या ये जंग फैल जाएगी और आप इसको मतलब फैलाना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने साफ कहा कि हम इस जंग को फैलाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है रीजन में। दूसरा फिर उन अहम पॉइंट जिनसे डिस्कस हुआ वो कि आपकी प्रॉक्सीज जो है वो क्या उनका क्या मौकफ है इस मामले में। तो उन्होंने इन्होंने कहा कि वो अब सेल्फ वो है, सेल्फ डिसाइडिंग है, और वो अपने मफादात के हिसाब से खुद ही तय करेंगी कि क्या करना है। तो इन्होंने काउंटर आर्ग्यू किया कि जो है नहीं, वो तो आप ही ट्रेन करते हैं, आप ही असलाह देते हैं। अगर नहीं, अभी की बात करो, अभी तो ये है कि वो अपने हिसाब से देखेंगी और हर कोई अपनी तौर पे करेगा। हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है और वो रहेगी। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि जी ये जो सिविलियन मरे हैं इसराइली, तो क्या उनके लिए उनके बारे में आप क्या कहते हैं? और हमने इसराइलियों से जिस तरह कंडेमनेशन का कहा है सिविल पॉपुलेशन की, तो आप क्या कहते हैं कि इसराइली जो मरे हैं इसके अंदर सिविलियंस, तो क्या आप हमास को कहेंगे कि वो भी वॉर क्राइम कर रहे हैं? तो उन्होंने जो बुनियादी बात बताई वो यही कि जो ऑक्यूपायर होता है ना, उसका राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं होता। जब आप किसी जमीन को ऑक्यूपाई करते हैं तो ये टाइम मैटर नहीं करता कि 50 साल बाद या 100 साल बाद आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस मिल जाए और आप वहां के सारे लोगों को मार दें। तो ये होता है दो स्टेट्स के दरमियान, दो लाइन ऑफ मतलब जो दो मुल्कों के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, और दो स्टेट्स जब लड़ती हैं तो वहां पे राइट एक्टिवेट होता है। तो ये इस तरह का कोई राइट नहीं है, और वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और कोई भी किसी पे भी कब्जा करेगा तो जगह खाली कराना वहां के रहने वाले का
थक है और वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है। और सीज फायर के ऊपर फिर बात की उन्होंने कि सीज फायर तो इट होनी वाज चाहिए अ दोनों जनरल का। डिस्कशन ना कि हाँ ईरान ने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया कि हम इधर स्टैंड कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल। और इसराइल का राइट टू एग्जिस्ट के ऊपर भी उन्होंने यही कहा कि जो है उनका जो भी राइट टू एग्जिस्ट है वो अपनी जगह पे, लेकिन पॉइंट ये है कि रेजिस्ट करने वाले को आप मतलब ऑक्यूपेशन को सेल्फ डिफेंस नहीं कह सकते, ये पॉइंट था। ठीक है, उस्मान अब्बासी आप अनम्यूट कर लें। जी अभी आ रही है। जी अब ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीव ईरान, ईरान को एक दफा साइड रखते हैं, इसके परख से बात करते हैं कि व्हाई यूएस इज सपोर्टिंग इसराइली जेनोसाइड, के यूएस का ऐसा क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि मैंने पिछली आप ये क्रिटिकल एनालिसिस वाली जो सेशन हुआ था उसको सुना था, उसमें ये था कि यूएस का जो इंटरेस्ट है वो इंपेरियलिज्म है, कि अपनी इंपेरियलिज्म या सुपर पावर का स्टेटस बरकरार रखने के लिए ये था, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर तो आप कह रहे हैं कि इंपेरियलिज्म है, ओके, क्या इनको एक यही पोर्शन मिला था, यही एक इलाका मिला था जहां पर इंपेरियलिज्म उन्होंने जानी थी, और भी हैं, और दूसरा ये है कि ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस तो रिसेंट डिस्कवरी है, मीन्स कि 1973 पीछे की है, उससे पहले भी तो ये सपोर्ट डू वी करता था, नो ऑन कि वो व्हाट बेसिस, रिसेंटली थी? ऐसा रिसेंट क्या वो है? भी हमारे सामने आई है ना। जी, लेकिन दिस वन कुड नॉट बी अ रीजन, कि एक रीजन नहीं हो सकती कि जस्ट ऑयल एंड गैस आपके रीजन है, क्यों? क्योंकि पहले तो वहां पर ऐसे कोल भी नहीं था यूएस का, तो इससे पहले इससे ये सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, वो रिमूव इसराइल को एक दफा रिमूव कर सकते हैं तो क्या लॉस यूएस को फेस करना पड़ेगा? ये कुछ था मुझे, कौन सा ऐसे इंटरेस्ट पे उसके जर्ब पड़ेगी, या कौन से ऐसे क्या इंटरेस्ट वो लाइक हैं लाइक यूएस टू के आंसर जिस दैट? देखिए। देखिए जो, हाँ, मैं अलाउ मी टू आंसर इट। देखिए, सिर्फ 2022 में ना, पिछले साल 21 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है यूएस की इसराइल के अंदर, सिर्फ एक साल में। ऐसे आप 40 को जोड़, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब मुझे जवाब देने दें कि बेसिकली जो यूएस है उसका, जो आपने सवाल पूछा कि क्या मेजर इंटरेस्ट क्या है, तो मेजर इंटरेस्ट जो उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो खतरे में पड़ी हुई है। और वो ये उसने स्टार्ट करी है 1967 के बाद से, 68 के बाद से, तो उसके बाद से आज तक, अभी आप देखें, उसने इस जंग के दौरान जर्मनी के साथ मुआहदा किया है, आयरन डोम की तरह का एक सिस्टम है वो सेल करने का, दूसरा फिनलैंड के साथ मुआहदा किया है अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और वो अभी भी इसके बावजूद अपनी लड़ाई के दौरान ही आजरबैजान को असलाह पहुंचा रहा है, डिलीवरीज अभी भी ऑन टाइम है उसकी। तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरा इकोनॉमिक इंजन है, ये एक इकोनॉमिक इंजन है, ऑयल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों इन्वेस्टमेंट इतनी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट किस बेस पे कर रहा है? मीन जस्ट के सेल वेपन्स, आपका ये पॉइंट है कि वो अपनी के वेपन्स को सप्लाई करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर? नहीं, देखिए, होता ये है कि जो इन्वेस्टमेंट, असल में होता ये है कि ये जो पैसे से कैपिटलिज्म है ना, जो पैसे से पैसा बनता है वो इकोनॉमी से बनता है, इकोनॉमी का स्प्रेड बड़ा होना चाहिए, इकोनॉमी जो है ना उसका स्प्रेड बड़ा बिल्कुल होना चाहिए। अब होता ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब है, सऊदी अरब जो है वो अपनी इकोनॉमी के साइज से 9 गुना जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, मतलब ये कि उसकी जो टोटल इकोनॉमी है, उसका जो साइज है, उससे 9 टाइम्स वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल। अब उसके पास जब इतना पैसा आ जाता है, और अभी से नहीं कर रहा, मतलब बहुत पहले से कर रहा, उसके पास जब इतना पैसा आ जाता है तो वो इस पैसे का क्या करे? गाड़ियां खरीदें, कितनी गाड़ियां खरीदेंगे, कितने महल बनाएंगे आप? तो वो यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसा वापस यूएस में चला जाता है। अभी लेकिन ये जो बॉन्ड्स है, मैं ये आगे कहाँ घूमते हैं? इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, तो वो इकोनॉमीज को डेवलप करते हैं, नहीं यूएस ने इस एरिया में इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। सवाल क्या एग्जैक्टली, नहीं अगर आप मेरा बताएंगे क्वेश्चन तो मैं ये है बताऊंगा। कि मेन क्वेश्चन ये था कि
इस यूएस क्यों अपने इतना बड़ा स्टेक लगाएगा कि वो इसराइल को जेनोसाइड सपोर्ट कर रहा है, इवन दो के इसराइल के अपने यूएस के अपने सिटीजन जो है इतनी बड़ी तादाद में उसके खिलाफ है, तो वो क्यों इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं? मीन्स के उसको तो अपना अंदर के भी देखना है, बाहर के भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो उस हिसाब से वो मैनेज करता है कि कहाँ मेरा इंटरेस्ट कितना है। तो वो आंखें बंद करके ब्लाइंड वो सपोर्ट क्यों कर रहा है इसराइल को? जस्ट देखिए, इसलिए कि वो इकोनॉमिक के नहीं, लिए, आपका आपका पॉइंट में समझ गया हाँ, मतलब देखिए, इकोनॉमी। ये लोग जो है ना, ये जितने भी अमेरिका और ये जो कनाडा और ये जितने हैं, ये लोग कलोनिस्ट हैं। 48 से आज तक 80 के करीब यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं जिनको इसराइल आज तक नहीं मानता। एक करारदाद सिवाय अपने बनने के, उसके बाद से आज तक उसने कोई करारदाद नहीं मानी हुई, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल। नहीं, अच्छा इराक ने, नहीं है कि सुने वो सुने, तो इसराइल मैं आपको जो, जवाब ही दे रहा हूँ, बस मुझे 2 मिनट दे दें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, 2 मिनट दे दें। तो वो जो है, उस इराक ने सिर्फ 2 करारदादे नहीं मानी थी, उस 2 दफा उसको जंग लग गई। तो पॉइंट ये है कि ये है कैपिटलिस्ट, ये सारी जो ये जो कलोनियल पावर्स है ना, ये जेनोसाइड के ऊपर ही खड़ी हुई है। अगर आप आज अमेरिका को देखते हैं, तो अमेरिकन ने जब नेटिव अमेरिकन का जेनोसाइड किया, उसके बाद ही इकोनॉमी डेवलप की। तो उन दे आर वेरी ओके विद द जेनोसाइड ऑफ द लोकल्स, अच्छा बात मेरा समझ। मेरा हाँ क्वेश्चन ये है कि जेनोसाइड की वजह से इनकी इकोनॉमी स्प्रेड है, लेकिन यहाँ पर इसराइल के केस में उसको इतना फायदा नहीं होता है जितना यूक्रेन में उसको हो रहा है। मीन्स के यूक्रेन में उसको ज्यादा फायदा होगा इन ऑर्डर टू स्प्रेड, जो एक इकोनॉमिक स्प्रेड है उसका, वो यूक्रेन में इसका ज्यादा नहीं बढ़ता नहीं है नहीं नहीं एज नहीं कम्पेयर टू इसराइल। देखिए देखिए, डॉलर जो है ना, वो अफ्रीका के जंगलों में भी चलता है, और साउथ अमेरिका के जो कोकेन बेचने वाले हैं ना, वो भी डॉलर में डील करते हैं। इकोनॉमी जो है ना, वो रीजनल नहीं होती, इकोनॉमी वर्ल्ड की होती है, ग्लोबल होती है। तो उन्होंने अपने डॉलर को, उन्होंने अपनी करेंसी को, अपने मतलब ट्रेड एग्रीमेंट को, अपनी इंश्योरेंस को सिक्योर करना। वो इस वक्त दुनिया के 73% मुल्कों के अंदर अपनी फौज लेके बैठे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्डर है जो स्टेब्लिश्ड है। तो उसके लिए, उससे अगेंस्ट अगर कोई बात होती है, उसको इमीडिएटली जाके उनको रोकना पड़ता है, और वो ये पूरा निजाम इस तरह चला रहा है। तो इसराइल जो है, वो पहली बात तो ये आप समझ लें कि आइडियोलॉजिकली जो है ना, ह्यूमन राइट्स का भी स्टार्ट होता है, ह्यूमन राइट्स जेनोसाइड के बाद स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो यूरोपियंस गए थे यूएस के अंदर, उन्होंने जब वहां के नेटिव अमेरिकन को मार दिया, उसके बाद ही ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी सब शुरू हुआ है। इसी तरह कनाडा में अच्छा एबोरिजिनल्स, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कोई, मतलब लोकल को मार दो, कोई मसला नहीं है। ऑक्यूपायर के पास राइट होता है। आप आज का बीबीसी देख लें, कल परसों का, वहां ऑफिशियली उन्होंने सवाल डाला हुआ है कि अगर हम प्री मेडिटेटेड सोच समझ के थोड़ी सी एथनिक क्लीजिंग कर लें, तो क्या ये अलाउड होनी चाहिए? ये बीबीसी का रेडियो का क्वेश्चन है। तो दे आर ओके विद इट, दे डोंट फील बैड अबाउट इट। यू हैव टू नहीं अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो वो उनको बैड फील होगा। एक तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इसको माइनस कर दें, इसराइल को निकाल दें, तो इसको कितना लॉस हो सकता है, किस हद तक हो सकता है यूएस को? नहीं नहीं दूसरा नहीं ये है कि इस तरह नहीं, नहीं नहीं वो इस जो अमेरिका में इसका वो इसका जो है ना, एमएफए, इस इसके इसी का देखिए, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का सवाल मुकम्मल कर लें। कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी पे चल रही है, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा कि पब्लिक की राय क्या है, ठीक है, कि जो हमारे पीपल हैं वो कितने साथ देंगे, किस चीज पे वो आएंगे नहीं आएंगे। तो क्यों, एज पर सर्वे और जितना भी अभी पता चला है अमेरिका में, वो ज्यादातर पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वाई इट वुड टेक सो मच रिस्क, के वो इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेगा? क्यों है यूक्रेन में तो बहुत सारे उसके सपोर्टर्स हैं, लेकिन पैलेस्टाइन में ऐसा नहीं है, केस उल्टा हो गया इनका, कि जितनी भी आवाम है, मेजोरिटी में आवाम, वो मैं पैलेस्टाइन के समझ साथ गया है। हूँ आपका सवाल। 2 हिस्से हैं आपके इसकी सवाल के, इसकी कॉस्ट क्या होगी इसराइल को छोड़ने की? बहुत बड़ी कॉस्ट है, इस वजह से कि जो यूरोप है ना, यूरोप की जो पूरी इकोनॉमी है, वो उसको पहले ही जो ऑयल सप्लाईज हैं वो रशिया ने रोक दिए हैं, या वो इंडेंजर हो गई है। तो अगर ये रीजन हाथ से गया, तो वाहिद रूट जो बचेगा वो ट्रांस अटलांटिक है, मतलब अमरीका से भेजना पड़ेगा सब कुछ। तो वो पूरा जो इनका निजाम है वो हिल जाएगा इसकी वजह से। तो कॉस्ट बहुत बड़ी है। दूसरा सवाल जो आपका था कि वहां की आवाम का क्या वो है, तो उसकी आवाम का इफेक्ट हो रहा है वहां। जो कुछ भी, जैसे यूके के अंदर होम सेक्रेटरी चेंज हुई है, वो जो मोहतरमा थी उनको चेंज किया गया है। और आप ये ख्याल रखिएगा कि ये इस वक्त यूके के अंदर टूरीज या कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है,
जो ऋषि सोनक साहब की है, और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी इस चीज को फील किया जा रहा है। और वो सबसे पहले तो नो सीज फायर पे खड़े थे ना वो पहले दिन, और दूसरी बार अब वो फिर वो ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस पे आ गए। और ये आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये कि जितना प्रेशर बनेगा उससे ये पॉलिसी, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं, वो प्रेशर से ही कंट्रोल होती है, तो उनका इम्पैक्ट आता है लेकिन ग्रेजुअल आता है। लेकिन उसकी वजह से ये नहीं होता कि वो अपने कैपिटलिज्म की जगह कम्युनिज्म बन जाए, वो कैपिटलिस्ट ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ ये होगा कि वक्ती तौर पे वही जो ब्लिंकन साहब जा रहे हैं बार बार और जो समझा रहे हैं इसराइल को भी और अपने अरब एलायंस को भी, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनोसाइड करने का भी तरीका होता है। इस तरह आप अफ्रंट नहीं कर सकते, आप पॉजेज ले लें, आप टाइम लें, आराम आराम से करें, हम आपको यहाँ तक लाए ना आगे भी लेके जाएंगे, लेकिन इस तरह ना करें कि ये हमारी अपनी जो है गेम पर हमारे अपने जो हुक्मरान है वो उलट जाए। और यही बात जो है इजिप्ट जॉर्डन ने कही। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू मुनज़्ज़ा का पॉइंट लेके इस टॉपिक को फिर मूव ऑन करते हैं टू द ईरान। जी मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। आप जो कह रहे हैं कि आई डोंट नो आपका नाम उसामा है शायद, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इसराइल के ऊपर, इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अमेरिका के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो इसराइल यहूदी जो है वो ओन करते हैं। अगर इसराइली बैंक और यहूदी अपने बैंकिंग अगर वहां से सारा पैसा निकाल दे तो अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा, और अमेरिका इसराइल को भी अमेरिका की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी वेपन्स पे चलती है। अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल अमेरिका था, बिकॉज वो वेपन प्रोवाइड करता था वर्ल्ड वॉर टू में। सो अमेरिका की इकोनॉमी वेपन्स पे चलती है, अगर वो मशीनरी नहीं अपनी बेचेगा तो उसकी अमेरिकन चल रही है, और सबसे ज्यादा जो उसकी वेपन्स खरीदने वाला मुल्क है वो इसराइल ही है। दैट्स माई पॉइंट। I'm not agree सिर्फ इकोनॉमी सारी की सारी सिर्फ इसराइली के अंडर कंट्रोल है। अमेरिका अगर चाहे तो वो डिफरेंट स्टेप ले सकते हैं, जैसे उसने पहले एज जो रेसिज्म था उसके खिलाफ या डिफरेंट इसमें वो हो जाती है, तो ये एक पॉइंट नहीं है कि वो सिर्फ इस वजह से डर है कि सारा कंट्रोल, बहुत सारा इन्फ्लुएंस है लेकिन इस हद तक नहीं है कि, क्योंकि अगर वो भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करें तो उस्मान आपकी डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है आवाज में। बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो अभी कोशिश करते हैं कि हम अपने मेन टॉपिक से डिविएट ना हो। लेट्स मूव बैक। जिया, अगर आप प्रेजेंट कर सकें डॉक्यूमेंट। ओके। इंटरव्यू के लास्ट में एक जीसीपीओ का प्रोजेक्ट भी था जो कि डील थी बिटवीन यूएस एंड ईरान। ट्राई टू रीड दैट, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ओके जिया, यू कैन स्टार्ट। ओके। ये टॉपिक दिया गया था कि रीजनल डोमिनेंस ऑफ ईरान के ऊपर बहस करनी है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो रीजनल डोमिनेंस ऑफ ईरान है उसमें इस वक्त ईरान की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ईरान की जो वो डोमिनेंस क्यों चाह रहा है, वो इस वजह से चाह रहा है क्योंकि उसकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में। हुआ ये कि 1941 में और 1953 में उसकी जो ईरान के अंदर जो हुकूमतें थी उनको इंटरनेशनल पावर्स ने पलट के अपने वहाँ पे मोनार्क को इस्टेब्लिश कर दिया था। तो इन्होंने 1979 तक बहुत मेहनत करके उनको हटाया, और उसके बाद इमाम खुमैनी साहब ने उन्होंने जो अप्रोच अपनाई वो ये कि उन्होंने दो आर्मीज बनाई, एक तो लोकल और दूसरी जो है वो पासदारान इनकलाब कहलाते हैं बेसिकली इंग्लिश में, इनको IRGC कहते हैं, जो रिपोर्ट डायरेक्टली टू जो सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो जो ऑफिशियल आर्मी है उसका काम है सरहदों की हिफाजत करना, और
एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू आईआरजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना, इसका मतलब ये कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर सके। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये किस अप्रोच के ऊपर चल रहा है। तो होता ये है कि ये जो इनका इनकलाब है 79 का, ये थियोक्रेसी है, यानी कि विलायत फकीह, यानी कि जो रिलीजियस लीडर है दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ द नेशन। और और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया बनी है, ये जो लाइनें वगनी है और जो सारा सिस्टम है, उसके अंदर इस तरह की जो आइडियोलॉजी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो दूसरी बात ये कि ईरान कोई बहुत पहले था पर्शियन एम्पायर और ये उसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो खुद जो है वो इस हालत में जो इस वक्त है वो इकोनॉमिकली और फिजिकली जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो वन टू वन फाइट कर सके। आलदो उसने 8 साल जंग लड़ी है और उसके बाद उसने जो है अब उसके पास यही रास्ता है कि वो किसी तरह कंटिन्यूअस वॉरफेयर करें एसिमेट्रिक, और साथ साथ निगोशिएशन और सैंक्शंस जो है उनको उनको अवॉइड करता चला जाए। तो अब ये जो हमारे फोरम के मेंबर्स हैं, आपको कोई इसमें इसके बारे में मालूमात है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है, मतलब इसकी क्या किसी क्या तरीके हैं और इसका किस तरह से किया जा सकता है इनको? एनीबडी वांट टू कमेंट ऑन इट, आप हैंड रेस कर सकते हैं और दूसरा अनम्यूट भी कर सकते हैं। एक सवाल आया है कि मोनिका मोनार्क और ओलिगार्की, ये दोनों में फर्क है। मोनार्क तो बादशाह होता है, ओलिगार्की के कुछ लोग होते हैं उमूमन ताजर, जैसे पुटन में वहां ओलिगार्की है और मोनार्की तो जैसे बादशाह है ये अरब ममालिक में, उनको मोनार्की कहते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर के हवाले से किसी कोई कुछ कहना चाहेगा या आप ना इनखलाब ईरान एक्सप्लेन कर का? दें, एक्सप्लेन कर अच्छा दें एसिमेट्रिक वॉर को। जी, एसिमेट्रिक वॉरफेयर से ये मुराद है कि आप फॉर्मल वॉर नहीं लड़ते, यानी कि आप जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, दो सुपर पावर्स थे, तो उन्होंने कभी भी एक दूसरे से जंग नहीं लड़ी। और उन्होंने जो पूरा कोल्ड वॉर एरा है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 48 से लेके 90 तक, अफगानिस्तान, पूरा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, हर जगह जंग लड़ी है इन सब ने, वियतनाम, लेकिन डायरेक्ट नहीं लड़ी। तो इस तरह की जो वॉर होती है जिसके अंदर दो पावर्स या कोई भी कौम जो है वो किसी दूसरे के जरिए जंग लड़ती है, उसको प्रॉक्सी वॉरफेयर कहा जाता है और ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आती है। उस्मान गनी मुनव्वर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्लीज। उन्होंने हैंड रेस किया है। ओके जस्ट जी उस्मान आप कर लें अनम्यूट। हाँ जी, ये कोई बताना था तो आपने डिफाइन कर दिया, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो अब इसके अंदर जो है जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है उसका उससे फायदा ये होता है कि आज जंग जो है वो आपके बॉर्डर तक नहीं आती, वो इधर उधर लगी रहती है और आप जो है वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करते रहते हैं। तो इस सिलसिले में जो है जो मेजर चीजें हैं जिन पे नजर रखने की जरूरत है, वो एक तो उन्होंने इनकलाब के फौरन बाद जो है इन पे इराक ने हमला कर दिया था, तो वो 8 साल उससे लड़ते रहे। उसके बाद लबनान में, साउथ लबनान में ऑक्यूपाई किया इसराइल ने, और उस वहां पे हिजबुल्ला बनाई इन्होंने, और फिर उसने सक्सेसफुली जो है वो सॉरी इसराइल को निकाला वहां से 2000 में। इसके अलावा 2006 में दोबारा इसराइल ने हमला किया, लेकिन ये कि उसको उन्होंने रोका। और इसके अलावा इस वक्त जो है इराक में जब अमेरिका दाखिल हुआ, उसने जब टॉपल कर दिया, पहले एक दफा सदाम हुसैन को हराया, फिर दूसरी दफा जब उसने टॉपल कर दिया, तो उसके बाद मुक्तदा सदर और दूसरी प्रॉक्सीज के जरिए उसने यूएस को एंगेज किया। और उसके बाद जो आईएसआईएस का बन गया था वहां पे सीरिया और इराक में, उसको भी उन्होंने रेडिकेट किया।
इसके अलावा सीरिया में जब बशार अल असद की हुकूमत जो है वो गिरने वाली थी, तो इन्होंने रशिया के साथ मिलके सपोर्ट किया बशार अल असद को और फाइटर्स भेजे। तो इस सिलसिले में क्या सीरियन वॉर को कोई फॉलो कर रहा है आप में से, कोई उसके बारे में कुछ बताना चाहेगा कि वहाँ क्या हुआ था, क्या एनीवन अराउंड? सर आप पाकिस्तान का केस इसमें मिस कर गए, जो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म की बेस पे जो मतलब 80,000 ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल गेट डाइड अनफॉर्चुनेटली, तो तकरीबन मेरा ख्याल $150 बिलियन का जो लॉस हुआ था। तो ये सिमेट्रिक वॉर की विद इन साउथ एशिया बहुत बड़ी एग्जांपल थी, आप मिस कर गए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है इस बारे में? देखिए पाकिस्तान के ऊपर मैं इस वक्त, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट लिखा है इस प्रेजेंटेशन में, आप देख सकते हैं बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, क्योंकि वो जो एरिया है वो आधा शीशान ईरान के पास है और आधा हमारे पास है, जो हिस्टोरिकली शीशान था। तो वहां पे जो है हाँ सिस्तान जो शीशान, तो वो एक मतलब हमारे टॉपिक के अंदर आ रहा है। बाकी ये कि जो है जो पाकिस्तान का रोल है उसको आप अलग से जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं, और वो जो आपने बात की वो सही है, लेकिन ये कि ये जो पॉइंट इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो है जहाँ पे ये पाकिस्तान और ईरान दोनों जो है वो नहीं चाहते कि ये एरिया आजाद हो, तो दोनों मिलके ही से लड़ रहे हैं, वो इस पॉइंट के ऊपर एक ही है। अच्छा अब इसके बाद JCPOA का जो अभी इस इंटरव्यू में भी बात हुई थी, तो हुआ ये कि जो 2015 में ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है, काफी अरसे से चाहता है, और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहा था, तो काफी हद तक वो करीब पहुंच गया था, लेकिन अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी, पूरी दुनिया ने पाबंदी लगा दी। तो 2015 में उसको इस हद तक कर लिया गया कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा सब ने कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना जो भी यूनियन इनरिचमेंट है उसको कम करें, और उसके बदले हम आपकी पाबंदियां उठा देंगे, और ये एक मुहैदा हो गया जिसको जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है। और इस मुहैदे के बाद जो है वो ये मुहैदा किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिका में दो हुकूमतें, एक डेमोक्रेट्स हैं और एक रिपब्लिकन हैं, तो ओबामा जो है वो डेमोक्रेट्स हैं, तो उसके बाद फिर जब ये रिपब्लिकन है वहाँ इंतखाबात हो गए, रिपब्लिकन आ गए, ट्रंप आ गए, तो ट्रंप जो है अपने कैंपेन में भी यही कह रहे थे कि हम इस मुहदे को ख़त्म कर देंगे, तो वो आके उन्होंने यूनिलैटरली यहाँ से इस मुहदे को ख़त्म कर दिया और वो पुल आउट कर गए। और अब हम इस चीज के ऊपर, आपके पास कोई अपडेट है किसी के पास के अब क्या पोजीशन है इसकी, JCPCO की, JCPOA की, कोई अगर बताना चाहे कि JCPOA पे इस वक्त क्या स्टेटस है, अभी क्या चल रहा है उसमें, उसके बारे में कोई बातचीत हो रही है या क्या, इफेक्टिवनेस क्या है इसकी इस वक्त एज ऑफ टुडे, एनीवन अराउंड? जी निशी साहब कुछ कहना चाह रही है शायद। मैंने पढ़ा था कि लिखा था ऑन डिसम्बर 2016 जो सैंक्शंस थे ना वो मजीद फॉर 10 इयर्स के लिए एक्सपेंड कर दिए गए। डिसम्बर 2016 के बाद 10 साल सैंक्शंस लगे थे 1996 तक 5 इयर्स के लिए, ठीक है, फिर 5 इयर्स के बाद वो और एक्सटेंड हो गए मजीद 5 इयर्स के लिए, यानी चले गए 2015-2016 तक, फिर उसके बाद लीबिया से तो उड़ गए लेकिन ईरान पे लगे रहे, और फिर लिखा था कि दिसंबर 2016 जो सैंक्शंस थे वो ईरान पे 10 साल के लिए मजीद एक्सपेंड कर दिए गए। ये बेसिकली आप जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं ये यूएस के सैंक्शंस हैं, हम बात कर रहे हैं JCPCOA के,
इसमें से अब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उस वक्त तक यही चल रहा था, लेकिन 2000 जब ये जब हो गया था साइन, उसके बाद जो सैंक्शंस थे उनको हट जाना था, लेकिन यूएस ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया 2017 में, और उसके बाद जो है वो फर्दर बाकी ममालिक जो है ईयू और जो दूसरे ममालिक हैं वो अभी जो है वो उनका काम जारी है, और अभी जैसे इस इंटरव्यू के आखिर में बताया था कि $6 बिलियन रिलीज हो गए, आपने सुना होगा इस इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने कहा कि $6 बिलियन हमें मौसूल हो गए अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के। अब अब्दुल हादी आल्सो वांट्स टू ऐड, प्लीज 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 मोस्ट वेलकम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हुआ क्या था कि एक्चुअली 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक विड्रॉ कर लिया था GCPO से और नए सैंक्शंस लगा दिए थे नॉन न्यूक्लियर के, आप भाई आप बिल्कुल भी मत करिए कुछ भी, ठीक है। बट ये रीजन ये दिया गया था यूएस से कि ईरान जो है JCPO एक्ट का वायलेशन कर रहा है, और वैसे भी JCPO एक्ट को ना मानते हुए ऑलरेडी अंदर अंदर यूरेनियम एनरिच कर रहा है। तो एक्चुअली 2020 में क्या हुआ कि जो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी थे ईरान के, उनको यूएस ने असैसिनेट कर दिया। तो इसकी वजह से अब ऑलरेडी यूएस भी थोड़ा JCPO एक्ट से पीछे हट गई थी, और अब तो उसके बाद 2020 के ये असैसिनेशन के बाद तो ईरान भी टोटली JCPO एक्ट से कम्प्लीटली दूर हट गए कि हमें भाई हमें कोई लेना देना नहीं और हम आपसे अब आपकी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पे बाकी जो P5+1 में जो लोग जो कंट्रीज है वो निगोशिएशंस करने लगे ईरान के साथ, और क्योंकि वो थोड़ा डरने लग गए कि अगर ईरान खुल्लम खुल्ला करने लग जाए न्यूक्लियर एनर्जी बनाने लग जाए तो फिर डेंजर है, ऐसे हुआ था। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया भाई। तो अब यही जो बात है कि जो P5+1 में से US यूनिलैटरली विड्रॉ हो गया और बाकी जो यूरोप वगैरह थे वो अभी भी इसके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं और वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करें, जैसे अभी ये बात की भाई ने कि जो है वो बाकी लोग क्यों अभी भी बात कर रहे हैं, बाकी लोग हैं कौन, यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जो ग्रोथ है जो अपनी इकोनॉमी है उसमें पहले ही अमेरिका से ताल्लुक के चक्कर में जो रशियन गैस है वो तो बंद हो गई है। तो अब जो रीजन के अंदर जो वायद मतलब जो सोर्स बचा है वो मिडिल ईस्ट ही है जिसके जरिए वो अपनी इकोनॉमी और ग्रोथ को हैंडल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दें, मैं इस रिलेशनशिप को वाजे करना चाह रहा हूं। तो हुआ ये था कि 1973 में आप ये देखें कि 1970 तक जो ऑयल की प्राइस थी $20 थी, और फिर जैसे ही जो है ये 1973 की वॉर हुई और इजरायलीज जो है वो दमिश्क और इजिप्ट में पहुंच गए तो शाह फैसल ने जो है वो ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, तो उससे ये प्राइसेस जंप होके 3 times हो गई $60। और उसके बाद से आप देखें कि ये स्टैंडर्ड ही सेट हो गया कि 3 times जो 60 के ऊपर ही चल रही है सब। और इस वक्त एज ऑफ टुडे ये 77-80 है ब्रेंट का बैरल जो है आजकल। अच्छा, अब यहाँ हमें ये स्लाइड तो मेरा ख्याल है आपने देख ली होगी। उसके बाद जो हुआ ये कि इस शॉक से बचने के लिए फ्यूचर के लिए यूएस ने क्या किया कि अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाई और साथ साथ जो है वो मिडिल ईस्ट ने भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाई। लेकिन एज ऑफ टुडे अब यूएस की टोटल डिपेंडेंसी जैसे पहले थी वैसे नहीं है, इट कैन रन द शो इवन विदाउट मिडिल ईस्ट ऑयल। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि ऑयल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि तेल जो आप बेच जो आपको प्राइस घर पे पड़ती है तेल की निकाल के, वो सबसे कम जो है वो ईरान और सऊदी अरब की है। ये देखिए आप इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ये इनको मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिला के less than $10 पर बैरल है, एक्चुअली तो $3 है, लेकिन आप देखेंगे $10 से कम में ये बेच सकते हैं। और इस वक्त प्राइस क्या है 77-80,
तो आप इससे ना, जबकि यही तेल जब अगर यूएस निकालता है अपने पास से तो वो उसको $20 पड़ता है, या रशिया निकालता है $20 है, तकरीबन डबल है प्राइस। तो पॉइंट ये है कि ये जो यानी आप अभी जैसे गजा पे भी बात हो रही थी और वहां पे भी ऑयल जो निकाला जा रहा है वो सही है बात, लेकिन आपको ये सिर्फ नहीं देखना कि तेल कहाँ से निकल रहा है, तेल बहुत सी जगहों से निकल रहा है और बहुत अरसे से निकल रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि किसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम किसकी है और किसके पास मार्जिन है, और इन्हीं मार्जिन को ये सारी फॉर्में इस्तेमाल करती हैं अपने पॉलिटिकल फवायद के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब ये खशोगी साहब को कत्ल करा दिया था सऊदी अरब के कौंसुलेट में तुर्की में, तो बाइडन साहब ने बहुत शोर किया था कि जी मैं तो जब सदर बनूंगा तो फौरन इनको बहुत सख्त सजा दूंगा और इन सब, और वो बने और उन्होंने बहुत सख्त बयान भी दे दिया। तो उसके बाद जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो रशिया के साथ मिलके प्रोडक्शन कट्स कर दिए, प्रोडक्शन कट्स कर दिया तो यानी कि ऑयल पैदा करना कम कर दिया। तो क्योंकि आपको पता है डिमांड सप्लाई की दुनिया है, तो जब सप्लाई कम हो जाती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, और जब तेल महंगा होता है गैस प्राइसेस हाई होती हैं तो उससे इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाती है, और महंगाई हो जाती है तो किसी भी चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाती है तो फिर आपकी स्टॉक मार्केट्स जो है उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो क्रैश भी हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑयल जो है वो एक, सिर्फ ऑयल एक वजह नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट है जो आगे जाके जनरेट होता है। खैर अभी हम अपने डिस्कशन को सिर्फ ईरान तक महदूद रखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि सऊदी अरब ईरान इराक बहुत बेहतर पोजीशन में है ऑयल को एज अ वेपन यूज करने के लिए, ये पॉइंट था। इसके अलावा आप ये देखें कि जो इस 79 के बाद जो है वो इनकी तरक्की भी बहुत बेहतर हो रही है, उनकी GDP भी बहुत बढ़ रही है। अब जैसे अभी तस्करा हुआ JCPOA का, तो अगर आप ये देखें कि जो ईरानी क्रूड है ये 2016 से 23 का चार्ट है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हुआ था कि JCPOA जब साइन हुआ उसके बाद इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती रही, और जैसे ही ये कैंसिलेशन हुई उसके बाद गिरी भी, लेकिन अब आप देखें कि उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने सेल को कवर कर लिया है, और उसने इस सेल को, ईरान ने जो अपनी सेल को कवर किया है वो किस तरह कवर किया है कि उसका 90% जो पर क्रूड है वो इस वक्त चाइना जा रहा है। तो दो चीजों पे हमें गौर करना है कि इस वक्त जो इंजन है ना दुनिया में तरक्की के, वो एक ही चाइना है और एक ही यूरोप है, और इन दोनों को जो है ग्रो करने के लिए वो चाहिए, ऑयल चाहिए। तो इस वक्त जो है ये हद तक वो हो चुका है, मतलब रिकवर कर चुका है JCPOA से, कि अब ये चाइना का टॉप सप्लायर है रशिया और सऊदी अरब के साथ, यानी कि चाइना तीनों से तेल ले रहा है, रशिया से भी, सऊदी अरब से भी और ईरान से भी। ये देखें रशिया और ईरान दोनों की सेल है, और अगले चार्ट में ये सऊदी अरब और ईरान की सेल है। तो मॉरल जो पॉइंट हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं वो ये कि ईरान जो है वो अब JCPOA से रिकवर कर चुका है, और वो अभी जो रिपोर्ट शाई हुई है अक्टूबर में ऑयल मार्केट की आई है इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन की, उसमें वो ये कह रहा है कि ईरान में रैंक एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रोथ। ये इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ, तो दुनिया की ग्रोथ रुक सकती है अगर ईरान का तेल दोबारा गायब हुआ मार्केट से। अब इस चीज के बारे में, अच्छा पेट्रो डॉलर के बारे में एक सवाल आया है, इसके ऊपर कोई बात करना चाहेगा? पेट्रो डॉलर पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इज देयर एनीबॉडी अराउंड हु वांट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज पेट्रो डॉलर? इज पेट्रो डॉलर होता क्या है? कोई मेरे मेंबर हैं जो ये इसके ऊपर रोशनी डालना चाहे? I think you have to explain. Okay. देखिए होता ही है कि ये 1973 में निक्सन अमेरिका के सदर थे, पहले ही होता था कि करेंसी जो है ना वो किसी ना किसी गोल्ड या सिल्वर से बैक्ड होती है, यानी कि कोई भी मुल्क कितने नोट छाप सकता है, उतने नोट छाप सकता है जितने का सोना उसके पास हो, ये बुनियादी उसूल था दुनिया में।
और ये मसूल जो है 73 तक चलता रहा सुकून से। और फोर्ट नॉक्स आपने सुना होगा अमरीका में, वो जगह है वहां पे जो है आप सोना, हर मुल्क अपना सोना रखता है ले जाके और उसके अगेंस्ट पैसे छापता है। लेकिन 73 के में निक्सन साहब ने और बाद में रेगन ने इस चीज को खत्म कर दिया कि इसको इसको जो है डॉलर के पीछे गोल्ड होगा। तो अब डॉलर जो है उस इसको अब कहते हैं फिएट करेंसी, अब ये फिएट करेंसी है। दूसरी अहम बात, जैसे चैट में किसी ने लिखा भी है कि तेल को नापने का पैमाना डॉलर कर दिया गया, तो तेल को नापने का पैमाना तो नहीं लेकिन उसकी वैल्यूएशन, हाँ इसको ही कह सकते हैं इस तरह से, मैं इसको इस तरह से देखूंगा रियलिस्टिकली कि जो तेल जब आप बेचते हैं तो आपको डॉलर में पैसे मिलते हैं जी, सारे अरब मुल्क या कोई भी इंडोनेशिया भी इवन, और जो लोग भी तेल खरीदते हैं उनको डॉलर में पेमेंट्स करनी पड़ती है, ये दुनिया का उसूल है। तो उससे क्या होता है कि ये जो डॉलर में पेमेंट हो रही है और रिसीव हो रही है, ये बेसिकली अगर आप अपने मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के आने के बाद जब सऊदी अरब ने अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करना शुरू किया है, तो अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैसे को। अदरवाइज ये पैसा क्या था, ये यूएस के पास ही उनके बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर पड़ा हुआ था, और उनके पास अमेरिका के पास एक बहुत आला तरीका है कि अपने ऊपर उधार जो उसके पास जमा होता है, उनके पास एक क्रेडिट सेलिंग है और एक कॉन्फ्रेंस है, एक सिस्टम है उनका, उसके जरिए वो क्या करते हैं कि वो अपना उधार जो है ना वो मतलब अपने अपने लिए हुए उधार पे सूद जो है ना वो मजीद उधार पैदा करके उससे अदा कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इकोनॉमिक चीज है, उसको थोड़ा समझने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि दे ऑलवेज गेट अवे विद इट। जैसे हम हैं, अब हमने तो हम पाकिस्तान है या दूसरे मुल्क है, हमको ये लेजर नहीं है, हमारी एक फिक्स चीज है, अगर हम ज्यादा नोट छापेंगे तो उसके बाद जो है वो IMF से हमें खरीदा लेना पड़ेगा, वो एक पूरा सिस्टम है। लेकिन उनके यहाँ इस तरह से नहीं है, उनकी जो ये बैंक है इनका जो डॉलर इशू करता है वो कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं, वो एक प्राइवेट इदारा है। तो खैर उस पर हम थोड़ा रुक के बात करते हैं। पॉइंट ये है कि जो डॉलर है उसको बहुत बड़ी सपोर्ट पेट्रोल से है, ये बात बिल्कुल सही है, इसको हमें मानना चाहिए। और अगर पेट्रोल प्राइसेस जैसे 1973 में हो चुका है, अगर वो बहुत, अगर उसकी डिमांड रुक गई या उसकी सप्लाई रुक गई या इस रीजन से जो है वो जो तीन बड़े सप्लायर्स हैं इराक, ईरान और सऊदी, इनका तेल चाइना या EU नहीं पहुंच सका किसी भी वजह से, तो ग्लोबल रिसेशन गारंटीड है, ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए। अच्छा, अब एक और पॉइंट जिस तरफ हम मूव करना चाह रहे हैं वो ये कि ये तेल है कहाँ पे। तो मेजर जो इनकी फील्ड्स हैं वो या तो पर्शियन गल्फ में है या कैस्पियन सी में। तो थोड़ा सा इस नक्शे को देख लें, बेसिकली ये नक्शा है जहाँ पे सारे अरब ममालिक हैं, और इन सारे अरब ममालिक जो इस तरफ हैं, जैसे ये UAE है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, और उस तरफ जो है वो ईरान है, तो ये कहलाता है पर्शियन गल्फ या अरबियन गल्फ, जो भी आप इसको कहें। तो इसके साथ साथ जो है ना ये सारे ममालिक हैं, और इवन जो सऊदी अरब है उसका भी सारा तेल बेसिकली ये ईस्टर्न बॉर्डर पे ही है, वो जो दूसरी साइड है हिजाज वाली उस साइड पे तेल नहीं है, वहाँ रिफाइनरी है लेकिन तेल नहीं। तो कहने का मकसद ये कि ये जो हार्टलैंड है बेसिकली गल्फ ऑयल की, और दूसरा जो मेजर सोर्स है वो ये कैस्पियन सी है जो ऊपर है, जहाँ ये अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ये सब मौजूद है। अब यहाँ इससे एक रिलेट करता हुआ एक और चार्ट जो बहुत अहम है, वो यहाँ का आइडियोलॉजी की या डेमोग्राफिक फैक्टर है। उसके अंदर क्या लिखा है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो रीजन है जो ये पर्शियन या अरेबियन गल्फ है, इसके चारों तरफ यहाँ ये जो है ये शिया आबादी है, और इधर भी अज़रबैजान और ईरान में भी यहाँ पे ये सारा शिया आबादी है। तो पॉइंट जो मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जितनी भी ऑयल की दौलत है यहाँ पे इस रीजन के अंदर, या तो डायरेक्टली या इस रूट की वजह से, अब ये जितना भी तेल यहाँ से निकल रहा है तो इसको यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, और ये जगह कहलाती है आबनाए हर्मस, हर्मस स्ट्रेट।
और ये हरमज स्ट्रेट जो है वो ईरान के पास है, मतलब ये कि ईरान इस जगह को देख रहा होता है, तो दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ से आ रहा होता है, भले से वो बहरीन पैदा करे या वो कतर पैदा करे या वो दुबई की इम्पोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कुवैत हो, कुछ भी हो। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्शन भी इंडेंजर्ड है और प्लस सप्लाई भी इंडेंजर्ड है, और ये जो है ईरान इस चीज़ को हैंडल करता है। अच्छा, एक सवाल आया कि पाकिस्तान बांग्लादेश ईरान से तेल ले सकता है। बेसिकली जो पाकिस्तान का है उसका तो गैस पाइपलाइन जो है वो एक मंसूबा था, और इस गैस पाइपलाइन ने आगे इंडिया तक भी जाना था, और अगर ये इंडिया चली जाती तो फिर बांग्लादेश भी पहुंच सकती थी। तो उसका जो ईरानी पार्ट है वो ईरान बना के बैठा हुआ है, और अगर हमने इसने आना था कराची नवाबशाह तक, जो हमारा नवाबशाह है कराची में, वो मतलब सिंध में, वहां तक आना था इस पाइपलाइन ने, और वो पाइपलाइन जो है वो अभी ईरानी सरहद तक बनी हुई है, और अगर हमने मार्च अप्रैल तक इसको मुकम्मल नहीं किया तो इंटरनेशनल कोड के हिसाब से हमें $18 बिलियन के हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अभी देखिए इसके ऊपर, तो हमने अपना पार्ट नहीं बनाया, उन्होंने बना के यहाँ तक पहुँचा दिया, जवाब ये है बेसिकली। अच्छा, अभी हम जरा फोक इस पे आ जाते हैं वापस, जो हम बात कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑयल की जो प्रोडक्शन है प्लस सप्लाई है, उसके अंदर प्रॉक्सीज जो ईरान ने अगर बनाई है दूसरे मुल्कों में, अरब ममालिक में, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो ऑयल प्रोडक्शन और उसकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर बहुत है। अच्छा, अब एक चीज तो हो गई, मतलब ईरान की अहमियत समझने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो उसका ऑयल और दूसरा ट्रेड रूट्स। तो जैसे हमने पहले कहा कि ईयू और चाइना जो है वो ग्रोथ के लिए इस चीज को यूज करता है, यूरोप और चाइना जो है। तो अभी अगर आप एज ऑफ टुडे देखें कि रूट्स जो मेन है दुनिया में ट्रेडिंग के, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रूट तो ये है यूएस और चाइना के दरमियान, जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। और जो एनर्जी कॉरिडोर है वो एशिया मिडल ईस्ट, ये वाला आप देखें, ये वही जगह है अपना हरमज जहां पे हमने अभी बात की थी। तो अब ये चीज पर्शियन गल्फ जो है, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि पर्शियन गल्फ के अलावा कोई और जगह है ऐसी कि जिससे ऑयल सप्लाईज या वर्ल्ड ट्रेड जो है उसको अफेक्ट हो रहा हो। क्वेश्चन है, एक तो हमने ये आबना हरमज देख ली, और कोई दूसरा ऐसा कोई जगह है कि जहां पे स्विस कैनाल। हाँ, वेरी गुड। अब स्विस कैनाल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो चैट में जवाब आया, और ज्यादा बेहतर उसको मैं इस तरह कहूंगा कि स्विस कैनाल में एंट्री जो है ना, ये देखिए ये स्विस कैनाल है, मैं वापस जाऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन में, लेकिन आपके सवाल के जवाब के लिए, बॉस्फोरस स्ट्रेट नहीं, उस पर हम बाद में आते हैं, मैं इसी रीजन की बात कर रहा हूँ। बॉस्फोरस स्ट्रेट भी है लेकिन वो ऊपर टर्की में, अभी स्विस कैनाल की हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए जो ट्रेडिशनल रूट है उसमें ये स्विस कैनाल में जितना भी ट्रैफिक जाना है उसने बेसिकली यहाँ से गुजरना है, ये शत्तुल अरब कहलाता है, इसके एक साइड पे यमन है और एक साइड के ऊपर जो है वो एक साइड पे यमन है और एक साइड पे ये सोमालिया है। तो ये एक और बड़ा बॉटल नेक है और हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं आबना हरमस की। तो ईरान कंट्रोल करता है आबना हरमस को भी, जो कि मेन लाइफलाइन है, ये पूरा यूएई का एक्सपोर्ट वगैरह सब दुबई वुबई सब उसी के जरिए हो रहा है। अच्छा, इसको एक छोटा सा आप इसकी अहमियत समझ लें कि 2019 के अंदर ही जो है ना, सिर्फ यहाँ पे ये टैंकर्स पे अटैक हुए हैं, और मतलब दे कैन चोक इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई इसमें मतलब उनको कोई मुश्किल नहीं होती। और दूसरा, यह जो दूसरा रूट है उसके जरिए ये लोग ये ट्रेड रूट को भी, स्विस कैनाल के ट्रेड रूट को भी यमन के जरिए, जो होती उनकी वो है प्रॉक्सी है, उस पर हम अभी आते हैं, वो इसको भी हैंडल कर सकते। अच्छा, आप ट्रेड रूट्स का थोड़ा सा देख लें, ट्रेड रूट्स के अंदर सबसे जो इस वक्त चल रहे हैं ट्रेड रूट,
उसमें पहला तो ये हमने कहा कि यहाँ इम्पोर्टेंट एक ये एशिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का ट्रेड रूट है, और दूसरा ये एशिया मेडिट्रेनियन है, जैसे स्विस कैनाल जिसकी अभी बात हुई, ये स्विस कैनाल वाला है, एक ही के पूरा अफ्रीका से होके जा रहा है साउथ अमेरिका के लिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है ना ये है एशिया मिडिल ईस्ट, क्योंकि ये सारी ऑयल सप्लाई यहाँ से आ रही है और दूसरा यहाँ से सारा ट्रेड जा रहा है। तो हमें ये दो ट्रेड रूट्स को फोकस करना है, एक एशिया मिडिल ईस्ट वाला जहाँ पे ये अबनाय हर्मस है, और दूसरा ये शत्रुल अरब जो स्विस कैनाल वाला रूट है, ये आगे भी आता रहेगा। अब इसी के अंदर जो है अबनाय हर्मस पे बात हुई, तो अब ये एक नया रूट, ये एक नया रूट है, इसको कहते हैं INSTC, ये 2022 में ऑपरेटिव हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक पोर्ट है ईरानी, और ये बंदर अब्बास है, और ये दूसरी पोर्ट है, यहाँ से जो है ये चाबहार जिसको कहते हैं, तो यहाँ से ये सारा माल लोड हो रहा है और ये ऊपर जो है वो जा रहा है उसकी तरफ नॉर्थ यूरोप की तरफ। तो इस रूट का जो फायदा है वो ये है कि बजाय ये कि ये आप पूरा यूरोप घूम के जाए, आप डायरेक्टली जो है वो पहुंच सकते हैं। इसी के अपोजिशन में BRI है जो चाइना का रूट है, और उसके अंदर ये देखिए गवादर है, गवादर के थ्रू ये टर्की जो है वो चीजें जा रही। अब ये जो रूट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हुआ ये कि G20 का इजलास बुलाया गया अभी अक्टूबर में, और उसमें जो है ये कहा गया कि इंडिया से माल जो है वो UAE जाएगा, UAE से बाई ट्रेन जो है वो सऊदी अरब से जॉर्डन से होता हुआ ये इसराइल की पोर्ट है हैफा वहां जाएगा और वहां से इटली जाएगा। अब इस रूट को जो ये अभी अक्टूबर में अनाउंस हुआ है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि ईरान और इजिप्ट दोनों ओवरराइड हो गए। आप देख रहे हैं इजिप्ट जो स्विस कैनाल है वो इसमें नहीं है कहीं, यानी जो माल यहाँ के थ्रू जाता था वो अब डायरेक्ट यहाँ से जॉर्डन से और इसराइल से मूव कर जाएगा। और इससे जो है कौन कौन नाखुश है, इससे इजिप्ट भी नाखुश है, और इससे जो है ईरान भी नाखुश है, और टर्की भी नाखुश है, क्योंकि उनको पाई में पीस नहीं मिलेगा। तो इसके फौरन बाद जो है ना ये हमारा गजा वॉर स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द फैक्ट। तो दो चीजें हमने देखी, एक तो ये कि ऑयल और दूसरा ट्रेड रूट। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि जो है ये जितने भी ममालिक हैं ये सारे जो है अरब ममालिक जो है ये पहले एक ब्रिटिश एम्पायर की रेजिडेंसी थी, उसको कहते हैं पर्शियन गल्फ रेजिडेंसी, उसके अंडर आते थे। और ये सारे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भले से जॉर्डन हो इजिप्ट हो वहाँ पे हर जगह जो है वो उन्होंने बादशाह इंस्टॉल किए थे ब्रिटिशर्स ने। और फिर जो है जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई उसके बाद जो है यही सारे अड्डे जो है वो फिर अमेरिका को मिल गए। तो जो चैलेंजेस हैं इन सारे अरब मोनार्कीज के पास वो मेन क्या है कि ये अपनी आर्मीज क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप देखें सीरिया में बशारुल असद के वाले जो थे हाफिजुल असद, इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में मुअम्मर खद्दाफी, और इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर, ये फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट, तो ये चारों जो हैं इनके एग्जांपल आपके सामने मौजूद हैं कि जहां पे फौज ने जैसे ही वो ताकतवर होती है वो मुनार को हटा देती है। तो अरबों के अंदर ये सबसे बड़ा मसला है कि जहां भी जो भी इंस्टॉल्ड थे अगर वो अपनी फौज बनाते हैं तो फौज सबसे पहले मुनार की उठा देती है। अब एक ये प्रॉब्लम हो गई, और दूसरा क्या है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे या फिर रेवोल्यूशन आ जाएगा, ये जो ईरान वाला है आपको जैसे पीछे देखा ना कि जो ऑयल वाले एरियाज हैं वहां पे सारे जो है वो शिया जो लोग हैं वो मौजूद हैं अक्सरियत। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन इनके पास क्या है, इनका सलूशन यही है कि ये जैसे पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे वैसे अब अमेरिकन प्रोटेक्टरेट बन जाए, और वो ये है। तो अब ये बेसिकली ये जितने अरब ममालिक हैं अमेरिकन प्रोटेक्टरेट हैं जो पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे, और अमेरिका जो है वो इनको हर हवाले से बचाता है और बचाता रहा है और बचाता रहेगा जब तक ये इनका ये सिस्टम मौजूद। तो प्रॉक्सीज के हवाले से अब आप देखें कि जो मेन मेन प्रॉक्सीज हैं लबनान में हिज़्बुल्लाह है,
फलस्तीन में PIJ और हमास ये अहले तशी नहीं है, लेकिन ये कि ये जब PLO का मुआहदा हुआ 93 में, उसके बाद से ये ईरान के साथ भी साउथ लबनान में इनको भेज दिया था इसराइल ने खुद, तो उसके बाद से ये लोग हिजबुल्ला के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इसके बारे में, हिजबुल्ला के बारे में या किसी प्रॉक्सी के बारे में कोई कुछ कहना चाहिए? प्रॉक्सी होती क्या है, जैसे पहले भाई ने बताया था मुझे, वैसे ही कोई किसी प्रॉक्सी वॉर को कोई डिफाइन कर सकता है, बट एग्जैक्टली द प्रॉक्सी वॉर उसमें कंट्री रोल क्या प्ले कर रहा होता है, कोई भी एक एग्जांपल ले लें ईरान के हवाले से या किसी और भी ग्लोबली किसी भी हवाले से कह सकते हैं। आलिया शायद साहिबा प्लीज। प्रॉक्सी ये होती है ना कि जैसे कोई दो कंट्रीज लड़ रहे हैं तो जो कंट्रीज के फ्रेंड्स हैं वो उनके साथ लड़ेंगे आई गेस। नहीं वो तो अलायंस है ना जी, एक तो होता है अलाई, वो साथ मिलके लड़ने वाले, वो तो अलायंस होते हैं। प्रॉक्सीज को कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा फर्क है। प्रॉक्सी का ये कि वो किसी के बिहाफ पे कोई और लड़े, वो खुद ना लड़े। नहीं, बिहाफ पे नहीं होता है वो, एक्चुअली में जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो देखने में एक दूसरे से राइवलशिप में होती हैं, तो जो राइवलशिप में दूसरी पार्टी है, सपोज कीजिए ए टीम है और बी टीम है और छोटी छोटी और CD3 इस तरीके से पार्टीज, इसी तरह से कंट्रीज है, तो जो दो मेन पार्टीज होती हैं उसमें जो मेन पार्टी मतलब ए के बाद जो बी पार्टी उसका पोजीशन में है, तो वो क्या करती है अपनी दूसरी तरह से अपने पार्टी को डेंट देने के लिए अपने ही लोगों को उनके अगेंस्ट में उनके कंपैरिजन में खड़ा कर देती है, मतलब उसको प्रोवाइड करती है डेटा अपनी तरफ से, मतलब सपोर्ट देती है अपनी तरफ से। मतलब अगर आप यहाँ पे कंट्रीज के फॉर्म में देखिए तो जैसे कि ये कहा जा रहा था कि ईरान प्रॉक्सी है हमास के लिए, ठीक है, और हमास के लिए काम कर रहा है, मतलब लोगों के लिए ये है नजर में कि मेन हमास में और इसराइल में लड़ाई हो रही है, तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर हम लोगों के सामने खुली बात है कि अमेरिका सपोर्ट में है इसराइल के, लेकिन यहाँ पर ईरान को बताया जा रहा था कि वो और हिजबुल्ला मिलकर के प्रॉक्सी वॉर में है, मतलब वो लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, दिखाने में नहीं है कि हम तुम्हारे साथ कोई अलायंस में है या किसी चीज में है, लेकिन वो प्रॉक्सी मतलब एक, अगर यहाँ पर देखा जाए तो टर्की की तरफ जो कंट्रीज हैं तो अमेरिका अगर वहां से कोई मसला होता है तो उसने वहां पे अपना ग्रीस को प्लेस कर रखा है कि अगर वहां पे कोई बात हुई तो हमारे लिए प्रॉक्सी की तरह कौन काम करेगा, ग्रीस काम करेगा। ये हम आपको एग्जांपल से बता रहे हैं, तो यहाँ पर वो सिर्फ सेट कर देते हैं, जैसे टीम ए के लिए टीम बी ने टीम डी को सेट कर दिया कि तुम ए को सपोर्ट करो, इस तरीके से लगे कि तुम उसको सपोर्ट करो, लेकिन असल में वो सपोर्ट इनडायरेक्टली बी को ही कर रहा होगा, लाइक एक तरीके से ट्रायंगल सेट कर देते हैं वो लोग। हाँ ठीक है, सही कह रही हैं। अब इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे अगर ईरान जो है वो सऊदी के, सवाल भी आया इसमें हमारे चैट बॉक्स में कि ईरान जो है वो सऊदी के साथ लड़ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो सऊदी से डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, वो क्या करेगा सऊदी के चारों तरफ जैसे सीरिया है, नीचे यमन है और इराक है, तो इन तीन जगहों के ऊपर जो है ना वो अपने ऐसे फौजी दस्ते या ऐसे वो पार्टियां बना लेगा कि वो जो है उसको कभी भी इंडेंजर कर सके। तो प्रॉक्सी है कि किसी के बिहाफ पे किसी कोई और मुल्क अगर लड़ रहा है या कोई और कुव्वत अगर लड़ रही है तो उस चीज़ को हम प्रॉक्सी वॉरफेयर में शुमार करते हैं। तो अब जैसे शुरू में मैंने बात कही थी कि इनकलाब की हिफाजत के लिए वो ये नहीं चाह रहा कि दुश्मन जो है वो उसके अपनी सरहदों के सामने खड़ा हो जाए आके, तो उसके लिए जैसे पहले हो चुका है इराक जंग में, तो इराक तो साथ है ना उनके, तो वो तो लड़ रहे थे, तो वो जो अब उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको दूर इस तरह किया जा सकता है कि दूसरे जो ममालिक हैं उनके अंदर ऐसे पार्टियां बना ली जाए कि जो आपके बिहार पे लड़ सकें और फिर बात आप तक ना पहुंचे। और कोई इसके इस मौजू के ऊपर बात करना चाहेगा, इराक में किस तरह प्रॉक्सीज ईरान बना सका है, इस चीज पे अगर कोई बात करना चाहे, जुनेद साहब है कोई? सलाम। इसमें उनकी फैक्शन जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस के नाम से,
उसके जरिए ये अभी अटैक कर रहे हैं यूएस बेसिस पे, और जो सीरिया या इराक में मौजूद है, सीरिया के अंदर भी है इस्लामिक रेजिस्टेंस, ये सारी ईरान की तरफ से फंडेड है, जो फिलहाल जो है ना इन इलाकों पे या यूएस के एसेट्स के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। जी सही कह रहे हैं आप, उसी को इनको कताइब हिजबुल्ला के नाम से भी मौजूद है, असाहिबुल हक के नाम से मौजूद है, और हरकत हिजबुल्ला के नाम से मौजूद है, और अलबदर, ये तीन चार मेन मेन इराक के अंदर जो है इनकी प्रॉक्सीज हैं, और ये बैटल हार्डन है क्योंकि ये पहले आईएसआईएस से भी लड़ चुके हैं और उससे पहले अमेरिका से भी लड़ चुके हैं इराक के अंदर ही, तो मतलब ये बहुत ही एक्टिव प्रॉक्सीज में से है। अच्छा, यमन के हवाले से कोई अगर ऐड करना चाहे, यमन के अंदर जो ईरान की प्रॉक्सी है तो उस पे अगर किसी ने काम किया हो तो। यमन में तो हूतीज है ना, हूतीज उनके सपोर्ट। जी जी, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप प्लीज। यमन की जंग जो है वो तो सऊदीया और ईरान की प्रॉक्सी वॉर हो रही है बेसिकली यमन में, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो सऊदीया की तरफ से बैक्ड है, और जो हूतीज हैं जिनको एक फैक्शन है पूरा, उनके पास भी सिग्निफिकेंट एरिया है, वो ईरान की तरफ से बैक्ड हैं और वो आपस में जंग कर रहे हैं। और यमन के हूतीज ने अभी इसराइल के ऊपर भी कुछ अटैक्स क्लेम किए हैं कि उन्होंने किए हैं, और एक ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि अब वो इसराइली ट्रेड शिप्स को भी टारगेट करेंगे, ये जो आप बता रहे थे ना, जो क्या इसका नाम था जो पानी का रास्ता इनके पास से गुजरता है, क्लेम किया जी, अभी शुरू किया है, अटैक नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, पर क्लेम उन्होंने किया था कि उसको भी अब डिस्टर्ब। जी जी, वो किया है उन्होंने, वो किया है। तो मैं आपने सही कहा, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बेसिकली हूतीज जो है ये ज़ैदी शिया ग्रुप है, और इसने जो है वो जो वहाँ की इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो है वो हमला कर दिया, और वहाँ के जो सदर थे उनको भाग के सऊदी अरब जाना पड़ा, और उसके बाद से जो है वो जो डी जी ओर जिसको कहते हैं, यानी कि जिसको दुनिया मानती है वो हुकूमत वहाँ नहीं है, वहाँ पे डिफेक्टो गवर्नमेंट है इनकी हूतीज की, उन्होंने पूरे यमन पे कब्जा किया हुआ, और उन्होंने जो है वो इसराइल की तरफ मिसाइल भी मारा था, लेकिन ये कि रेड सी में क्योंकि वो अमरीकी जहाज मौजूद है पेट्रियट और थार, तो उन्होंने इनको गिरा लिया था। वो अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। इसके अलावा सीरिया में जो मौजूद है उनके बारे में कोई कुछ कहना चाहे, सीरियन सिविल वॉर या वहां पे जो ईरान ने अपना एक इम्पैक्ट डेवलप कर लिया है उस पे अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे। अच्छा ज़िया, इन द इंटरव्यू जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये चीज, उनके सामने ये चीज टीम ने रखी थी कि दे हैव द रिपोर्ट्स के ईरान ने इंटरनल तौर पे हमास को सपोर्ट किया है विद द वेपन्स एंड या फिर ट्रेनिंग दे के, ये बात उन्होंने की थी, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने तो इससे डिनाई किया था, लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है कि हमास की सपोर्ट उस तरीके से हुई होगी ईरान की तरफ से? जी जी, वो बेसिकली आप इनकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये जो हमास और PIJ है फलस्तीन इस्लामिक जिहाद, ये दोनों जो हैं, ये इनका ईरान का लिंक बना कैसे हुआ, ये कि जब PLO के साथ मुआहदा हुआ 93-94 में, तो उस वक्त जो है ये जो फलस्तीन है उसके अंदर बेसिकली तीन सेक्टर, तीन आइडियोलॉजीज हैं, एक नेशनलिस्ट है, दूसरे कम्युनिस्ट हैं, और तीसरे इस्लामिस्ट हैं। तो जो नेशनलिस्ट थे वो हैं ये जो यासर अरफात और PLO, और जो PFLF वाले हैं वो हैं जिन्होंने जो जहाज अगवा करते थे लैला अली वगैरह और दूसरे, और जो तीसरे हैं ये इस्लामिक्स हैं PIJ और जो हमारे हमास हैं। तो हुआ ये था कि ये लोग जब इंतफादा चल रहा था उस वक्त, तो ये लोग मुआहदा नहीं होने दे रहे थे, तो इसराइल ने खुद इन लोगों को PIJ और इनको हमास को साउथ लबनान में भेज दिया, लोगों को बसों में भर के डाल दिया वहां पर। और जब ये वहां गए साउथ लबनान में, साउथ लबनान उस वक्त हमला किया हुआ था, इसराइल ने कब्जा किया था, बैरूत तक गया हुआ था, तो उस वक्त इनका आपस में लिंक डेवलप हुआ, और फिर वहां से जो है ये इनको बम बनाना और ये सब चीजें जो है इनकी ट्रेनिंग उन्हीं साउथ लबनान में हुई, और
वहां पे इन्होंने हिज़्बुल्लाह ने और हमास और पीआईजे ने मिलके इसराइल को पहली दफा जो है वहां से निकाला साउथ लबनान से। तो साउथ लबनान वाहिद जगह है इसराइल की हिस्ट्री में कि जो उसने कब्जा करने के बाद खुद हार मान के छोड़ी है, मतलब वो रिट्रीट हुआ है वहां से 2000 में। और उसके बाद भी उसके बाद ये लोग जब आ गए वापस फलस्तीन में और फैल गए और ये, तो फिर 2005-06 में इन्होंने इलेक्शन जीता, पीएलओ को हरा दिया हमास ने। और उसके साथ साथ जो है उसके बाद जो है ये जो बात हो रही है कि जब जो जवाब दिया ईरानी वजीर खारजा ने वो ज्यादा है, मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने उनको हेल्प नहीं किया, उन्होंने कहा इस वक्त की बात करो, इस वक्त दे आर केपेबल ऑफ डूइंग वट एवर दे कैन डू बाय देमसेल्फ, तो वो कर सकते हैं। और ये चीजें जो है ये चल रही होती हैं यकीनन, मतलब ये कि जो फंडिंग्स हैं और जो सपोर्ट है वो तो होती है बिटवीन द लाइन, वो तो चल ही रही है, वो ईरान भी कर रहा है और इवन इजिप्ट में जो ये जो ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल ऑफशूट है मुस्लिम ब्रदरहुड का, और ये मुस्लिम ब्रदरहुड का जो ऑफशूट है तो उसको इजिप्ट से भी जो हेल्प मिल रही है रफा बॉर्डर के थ्रू, और दूसरा मतलब ये कि उनकी अपनी कोशिशें अपनी जगह हैं और अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, लेकिन ये कि ये सारे प्लेयर्स का रोल है इनको एज अ प्रॉक्सी मेंटेन करने में। दैट इज आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। और कोई बात इसके हवाले से, लाइक आई आंसर्ड द क्वेश्चन और डू यू वांट फर्दर एक्सप्लेन? सीरिया की जो जंग है वो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर बशारुल असद के खिलाफ जब लोगों ने हथियार उठाए तो इन्होंने जो है वो काफी हद तक बशारुल असद का खात्मा कर दिया था, लेकिन फिर वहां पे इनका रूस का जो है वो बहरी अड्डा है लताकिया, तो वो उसको खत्म कर रहे थे, वो मेडिटेरेनियन में रूस का वाहिद अड्डा है। तो उसके बाद रूस ने एयरफोर्स दी और ऑन ग्राउंड जो है वो ईरान ने सपोर्ट किया, और उसके बाद बशार अल असद अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए, तो उस हवाले से वहां पर प्रॉक्सीज ऑपरेटिव है। अब हालात हाजरा के हवाले से ये तो एक बैकग्राउंड हो गया, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है कि जो अब तक हमारी बात हुई है उसके बारे में अब तक कोई क्वेश्चन है? फिर हम हालात हाजरा पे बात करके इसको क्लोज करें। ठीक है, तो अब जो जैसे कि इंटरव्यू में भी बात हुई कि अब जो ईरान जो इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, वो ये कहा जा रहा था कि जो हिज़्बुल्लाह है वो उनके नसर नसरुल्लाह साहब जो खिताब करेंगे तो उसके अंदर वो कई लोगों ने ये उम्मीद लगा ली थी कि वो जो है मतलब स्पिल आउट कर जाएंगे, मतलब ये कि वो बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ, क्योंकि ईरान जो है वो इकोनॉमिकली इस वक्त बहुत स्ट्रेन का शिकार है। और ये जो 7 अक्टूबर का एक्शन है ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये इसके अंदर जो है वो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज रेडी नहीं थी। और जो लास्ट एक्शन 2019 में हुआ था, कासिम सुलेमानी साहब जो इनके लीडर थे इसी IGRC के जनरल जो थे, तो उनके भी शहादत पे जब उनको इराक में हवाई वो अटैक करके शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद भी ईरान जो है वो कुछ खास कर नहीं पाया था, मतलब उसने उनके अमेरिका के अड्डों के इर्द गिर्द मिसाइल फायर किए थे, लेकिन ये कि कुछ सब्सटेंशियल नहीं कर सका। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो जो है वो खुद अपने एज अ ग्लोबल प्लेयर जो है वो खुद अभी अभी कोई भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो इस वॉर को इस स्पिल आउट किया जा सके, यानी कि ये जंग को फैलने के लिए किसी के मफादात इतने हाई स्टेक में नहीं है कि जो है वो कोई इसके अंदर अपना। Yeah, I would want to add something. Yes, please. एक क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में भी, किसी ने पूछा है कि अगर अमेरिका इजराइल के बैक खड़ा हो सकता है तो फिर ईरान क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता फलस्तीन को, जब सीरिया ने और ईरान ने एफर्ट्स की थी और
जो सपोर्ट प्रोवाइड की थी हमास को या हिजबुल्ला को, ताकि वो जो उनके फाइटर ग्रुप्स हैं कि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएं अपनी फाइटिंग स्किल्स में, या फिर जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें. अगर अमेरिका, यूके, कनाडा, ये ममालिक उनके बैक पे और बिल्कुल सामने आके फ्रंट लाइन पे आके खड़े हो सकते हैं, तो फिर फ़लस्तीन को हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? और अगर हम सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों पे एक टैग लग जाता है कि टेररिस्ट, जो भी हमारा के स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, ये जो ईरान है, सीरिया है, इस पर जो भी लगा था टैग लग गया था कि ये वो स्टेट्स हैं जो स्पॉन्सर करती हैं टेररिज्म को, तो क्या अमेरिका पे ये टैग नहीं लग सकता? क्या ये यूके पे नहीं लग सकता? क्या ये कनाडा पे नहीं लग सकता? और अगर इन सब सारे दुनिया के ममालिक ने मिल के एक यूनाइटेड नेशंस बना दिए, तो उस यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब है? हम अगर एक यूनाइटेड नेशन, तो वर्ड ही एक ऐसा है कि जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सारे ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये ऐसी, ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन सब ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी बेटरमेंट चाहती है, जो प्रॉस्पेरिटी चाहती है, जो पीस चाहती है? हम कैसे कह सकते हैं? If I may answer the question, हमें ये समझना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो है ना, इसके अंदर दो इदारे हैं मेन. एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बनी क्यों है. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है. और किन्होंने बनाई है? ये वो पांच ममालिक ने बनाई है जो उस फर्स्ट वर्ल्ड, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, यानी कि बर्तानिया, फ्रांस, अमरीका, चीन और रूस. तो ये पांच मुल्क थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे. उन्होंने कहा कि अच्छा, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी लीग ऑफ नेशन बन चुकी थी और वो लीग ऑफ नेशन चल नहीं पाई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई. तो यूनाइटेड नेशन जो है, उसके बनने का मकसद कहा कुछ भी जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पांच दुनिया के फातहीन ने मिलकर बनाई है सिर्फ इस वजह से कि वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो. और उसका तरीका क्या इन्होंने चूज किया है? उन्होंने दो एवेन्यूज बनाए हैं. एक का नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरा एवेन्यू का नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, उसके अंदर हर मुल्क की एक सीट है और उसके अंदर वोटिंग भी होती है, लेकिन उसके अंदर किसी भी करारदाद के पास होने का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, वो कोई ऐसी, अगर 200 के 200 मुल्क भी ये कहें, 199 भी ये कहें कि इसराइल के ऊपर हमला कर दो या इसराइल को रोको, तो कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि आर्म्ड इंटरवेंशन नहीं हो सकती. वर्ल्ड पे गौर कीजिएगा, आर्म्ड इंटरवेंशन जो है वो सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास होने से हो सकती है. और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके अंदर इस वक्त 12 नशिस्तें. तो 12 नशिस्तें जो है, वो 12 की 12 जो है, अब हुआ ये, आप जिस वक्त ये मसला हुआ उसके फौरन बाद आप देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसके अंदर 12 नशिस्तें हैं, उसके अंदर 5 मुस्तकिल मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है. अच्छा, यूएनजीए के अंदर तो जमहूरियत है, वो तो आप समझ गए कि हाँ भाई, जो ज्यादा वोट देगा वो करारदाद अडॉप्ट हो जाएगी, लेकिन उसका कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो आर्म्ड इंटरवेंशन नहीं कर सकती. अब आ जाए यूएनएससी के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर. सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो नहीं है, जमहूरियत नहीं है, उसके अंदर जमहूरियत प्लस वीटो है. यानी कि 5 में से अगर एक भी चाहे तो वो बखिया 11 की बात को रद्द कर सकता है. वोटिंग होती है, और 12 में से अगर 11 कहें या 10 कहें और 2 ना कहें तो वह मंजूर भी हो जाती है, लेकिन उसको इन 5 में से कोई एक वीटो कर सकता है. अब ये निजाम रखा क्यों गया है? रखा इस वजह से गया है कि अगर किसी की भी सरहदों में चेंज होनी है ना, कोई भी जियोग्राफिकल चेंज अगर दुनिया में आनी है, तो वो पांचों को उस पर एग्री करना पड़ेगा. पांचों एग्री करेंगी तो जियोग्राफिकल चेंज आएगी, वरना नहीं आएगी. तो अब जैसे ये यूएनएससी के अंदर ये रेजोल्यूशन गई, इस वक्त यूएनएससी के जो 12 मेंबर हैं उनमें एक यूएई भी है. यूएई लेके गया वो रेजोल्यूशन और उसके ऊपर वोटिंग भी हुई, और उसके अंदर 10 ने कहा कि सीज फायर तो करो, बाकी बाद में बात करेंगे. तो अमरीका ने उसको वीटो कर दिया. तो अब वो आप कुछ कर नहीं सकते. इसके बाद फिर यूएनजीए में आती है रेजोल्यूशन. तो कहने का मकसद ये है कि जो आर्म्ड इंटरवेंशन होती है, यानी कि जहां पे आर्मी भेज के किसी काम को रोका जाता है, तो उसके लिए पांचों को एग्री करना जरूरी है. और ये काम पहले हो चुका है. कहाँ हो चुका है? इराक वॉर के अंदर. इराक वॉर के अंदर यूएनएससी की रेजोल्यूशन पास हुई थी, और उसके अंदर अमेरिका ने वो कहा था ना कि इसके पास एंथ्रेक्स है और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और पता नहीं क्या क्या है.
और वो बाद में पता चला कि वो तो झूठ था। तो वो इस तरह जो है वो फौजें भेजते हैं जहां मर्जी आए और वो वहां पे अपनी मर्जी का काम कर लेते हैं। तो ये इसको आप ज्यादा मतलब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी है। अब जैसे वॉर क्राइम्स की बात हो रही है तो उसके लिए जो कोर्ट है वो कहलाती है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन उसके अंदर वही बंदा के खिलाफ आप केस डाल सकते हैं उस मुल्क के जिसको ICJ ने साइन किया हो। अब पुतिन के खिलाफ वारंट निकला हुआ है यूक्रेन जंग की वजह से, लेकिन इसराइल के खिलाफ नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि इसराइल ने साइन ही नहीं किया। तो इस नौयत की चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज। जी अरुज, आपका हैंड रेज़ है। जी जी, मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि अगर यूएन में इतना बस नहीं चलता है ममालिक का, और जिनको वीटो, जिनके पास वीटो पावर है वही सारा निजाम चला सकते हैं, तो फिर हम लोगों का यूनाइटेड नेशन की जो भी मेंबरशिप है वो रखने का मतलब क्या है? क्यों नहीं लोग जो भी ममालिक हैं अलग से कोई बना लें? हम लोग भी जो हमारी OIC बनी हुई है, ये जो मुसलमानों की इस्लामिक एक लीग है जिसका ये पिछले दिनों अजलास भी हुआ, उसका भी कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने अपनी कॉम्पिटेंसी इतने लोअर लेवल पे लेके चले गए हुए हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो सारा ब्लेम हम किसी और को नहीं कर सकते हैं। ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो हमारे सर पर पड़ी हुई हैं, पर इनको ठीक भी तो करना है ना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो हमारी सुनने वाली है नहीं, और ना ही वो लोग हमारी कॉम्पिटेंसीज भी जानते हैं। मैं समझ रहा हूं आपका सवाल, मैं समझ गया हूं, मैं आपका सवाल समझ गया। इतने बेबस हैं तो फिर जी, मैं समझ रहा हूं आपका सवाल। इसमें सवाल ये है कि जी यूएन की इनकॉम्पिटेंसी की बात नहीं है, बात है ग्लोबल ऑर्डर की। उन्होंने मतलब 20 मिलियन लोग मरे हैं इन 5 ताकतों के, तो उन्होंने ये यूएन बनाई है। एक वर्ल्ड वॉर हुई थी, पूरी दुनिया में हुई थी, और उसमें वो जीते थे, इसलिए उनका है ये ऑर्डर। हमें ये चीज को समझना चाहिए। और अगर किसी के पास इतनी ताकत है तो वो उनसे लड़ ले और फिर अपना ऑर्डर एस्टेब्लिश कर ले, और यही तरीका है दुनिया में हमेशा से रहा है। अब बात यह कि OIC हम इनएफेक्टिव क्यों है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि OIC जो बनी थी वो बेसिकली जो अरब नेशनलिज्म था जमाल अब्दुल नासिर साहब का, उसके खिलाफ सऊदी अरब ने बनाई थी रियाद के अंदर, और उसका मकसद सिर्फ अरब नेशनलिज्म से लड़ना था। और जब खत्म हुआ, वो खत्म हो गया, तो फिर इसकी भी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। और जो दूसरा सवाल है कि ये हमारे मसले हम क्यों नहीं हल कर पा रहे, तो उसमें आप एक चीज ये समझ लें कि जो अगला मेरा टॉपिक था जिसको मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये मत समझिए कि जो है ये सब लोग जो प्रॉक्सीज हैं वो सारे मुसलमान ममालिक एक दूसरे के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि जो कतर है और जो UAE है, कतर के वजीर खारजा ये बयान दे रहे थे कि UAE प्रोवोक कर रहा है कि तो कतर क्यों हमास के साथ में काम कर रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि वो इस्माइल हानिया कतर में ही है। तो आप ये देखें कि ये तालिबान और इस्माइल हानिया, इनको कतर ने पनाह दी हुई थी, तो सऊदी ने अभी 3-4 साल पहले जो है कतर की एयर, यानी कि कतर के जहाजों के लिए तमाम अरब ममालिक ने अपनी एयर स्पेसेस बंद कर दी थी। कतर को रोटी और मतलब खाने की चीजें भी इन्होंने बैन कर दी थी, कतर का बॉयकॉट किया है इन्होंने 3 साल। और उस वक्त जो है वो तुर्की और पाकिस्तान और ईरान ने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया है खाना। तो आप ये मत समझिए कि जो है ये लोग खामोश भी हैं एक दूसरे के खिलाफ, नहीं, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि आप क्यों उनकी मदद कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को कह रहे हैं कि देखो हम आपके ज्यादा अच्छे खादिम साबित हो सकते हैं, आप हमारी तरफ सरफ नजर करें। तो हमारे जो मफादात हैं, जो कॉलोनाइजेशन के बाद जो हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो उम्मत का जो मसला है वो हर एक के, सबने अपने अपने मुल्की मफादात के बारे में सोच रहे हों। अभी अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो विजन 2030 पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो हेल्प नहीं कर पा रहे। इजिप्ट जो है वो अगर थोड़ी बहुत अभी कर रहा है वो इस वजह से क्योंकि 10 साल से
उनके पास बैन हुआ हुआ है लोगों का निकलना, और पब्लिक प्रेशर आ गया है और उनको नजर आ रहा है, उनका दिसंबर में इंतखाबात थे इजिप्ट में, होने हैं इस दिसंबर में, तो वो पब्लिक प्रेशर की वजह से वो लोग थोड़ा बहुत अभी जो भी आपको नजर आ रहा है वो कर रहे हैं। अदरवाइज जो स्ट्रेटेजिकली तो दे आर ऑल अलाइंड एंड दे आर ट्राइंग टू लिव देयर लाइफ एंड दे आर ओके विद इजराइल। और फलस्तीनियों का भी जो ये अटैक है वो बहुत ही डिस्परेट है कि पहली दफा ऐसा हो, जब नेतन्याहू चौथी दफा वजीर आजम बने, 16 साल से रूल कर रहे हैं इसराइल को, उन्होंने 16 साल के अंदर क्या मेहनत की है? उन्होंने यही मेहनत की है कि फलस्तीनियों से बात नहीं करनी। पहले दिन से वो बंदा फलस्तीनियों से बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ किससे बात कर रहा है? सऊदी अरब से, इजिप्ट से, जॉर्डन से। वो कह रहा है कि बस इनसे बात कर लो, फलस्तीनियों को मैं खुद देख लूंगा। तो इसीलिए ये अटैक, प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मुझे एक बात पूछनी थी, इफ यू कैन गाइड, इज इट ऑल डिपेंडेड अपॉन द मनी थिंग, लाइक एवरीबॉडी हुएवर, लाइक क्योंकि गाजा के बारे में स्पेशली जब भी डिस्कशन होता है तो यही होता है कि बस ये लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, टेल अवीव को हमने ऐसे बना दिया, वैसे बना दिया, तो ये सारा क्या कुछ सिर्फ पैसों का खेल है? और मतलब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मतलब वी कैन सी स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिकली, लाइक तालिबान हो गए, तो इज इट ऑल अबाउट इकोनॉमी और व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक हाउ टू नो हु आर द करेक्ट वंस एंड हु आर द मुनाफिकों और हु आर द स्ट्रेट अवे यू नो द एनिमीज, मतलब कैसे समझेगा ये सब? देखिए देखिए, जो इफ आई मे आंसर द क्वेश्चन, के जो आपका सवाल है कि मुनाफिकों को कैसे पहचाना जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर तो कुरान, कुरान का इल्म ही नहीं है, तो ये टर्म्स भी आपको तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर किसी को नहीं पता फासिकून फाजिरून और मुनाफिकून और मुस्लिमून में क्या फर्क होता है या मोमिनून में। तो ये हमारा बुनियादी इल्म ही आयब है कि हमने कुरान को समझा ही नहीं है सही से, और सीरा को। मैं आप एक आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ नेशन बात कर रहा हूँ। तो कुरान से दूरी बुनियादी वजह है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर आप समझ में आएगा और आप फिर उसको रिलेट कर सकेंगे और उसके तहत जिंदगी गुजार सकेंगे। दूसरी बात, जो इकोनॉमी की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स जो है ये आइडिया है कैपिटलिज्म का, और उसको इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। वो आपको एक घर एक गाड़ी दे के आपको सारी जिंदगी आपसे काम लेगा, ये कैपिटलिज्म है बेसिकली। तो उसके लिए इंसान की जान की कोई खास कदर है नहीं एक्चुअली, वो प्रॉफिट बेस पे चलता है, क्वार्टर बेस पे चलता है। तो आप ये तो प्रोस्पेक्टिव की बात है, आप अगर इस दुनिया के हवाले से देख रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरे गाड़ी कौन से मॉडल की है, घर कौन से मॉडल का है, कि कौन से कितना अच्छा बना हुआ है, तो फिर यकीनन ये इकोनॉमिकल है। और अगर आप देख रहे हैं कि नहीं ये तो एक छोटा सा इम्तिहान है और अभी हमने तो अब्दी जन्नत में जाना है, तो फिर तो ये इम्तिहान है, फिर तो हमें हमारे लिए माल जो है वो एक रीजन होना चाहिए कि उसको हम कितनी इफेक्टिवली जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। औलाद, माल और खौफ, ये तीन इम्तिहान कुरान में बताए हैं अल्लाह ने। तो प्रोस्पेक्टिव अगर आप चेंज करेंगे तो फिर समझ आएगी बात, अदरवाइज अगर आप उनके प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यकीनन हमने 150 साल में कुछ नहीं बनाया, हमने वाइपर भी नहीं बनाया, हम मतलब किसी काम के नहीं है। और वो ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा जेनोसाइड आसान हो जाए। मतलब हम एक लोअर रेस हैं, हम लोअर सिविलाइज हैं, और हमारा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जो जब वो एथनिक क्लीनिंग होती है तो उसके 9-10 स्टेप्स हैं। तो उसमें पहला स्टेप यही है कि आप इन लोगों को एक सब रेस के तौर पर ट्रीट करें, आप उन दुनिया को ये समझा दें कि ये जो है लोग किसी काम के नहीं है, ये हम लोग बेहतर रेस हैं और वी कैन वर्क इफेक्टिवली एंड गिव यू बेटर प्रॉफिट्स। तो इस तरह चीजों को देखेंगे तो शायद मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नमाज पढ़ने चला गया था, बीच में डिस्कशन में सो गए थे मुझे। वैसे मेरे दो जनरल क्वेश्चंस हैं, एक ये तो
what is the biggest problem right now? Yeah, what are the biggest problems right now? Okay, abhi bade masail kaun se hain puri duniya ke? Usme chronological order ke tahat hum kis tarah kaun sa masail pehla aayega, dusra aayega, tisra aayega, jis tarah Israel wala problem hai ya global order wala hai, to chronological order mein iski tarteeb kya hogi? Aur dusra ke hum isme participate kaise kar sakte hain to solve or understand the problem. Second question ye tha ke jis tarah abhi Israel jo hai jo kuch bhi kar raha hai to isko counter karne ke liye what are the pressure points throughout the globe ke kis kon kon se hamare as a muslims nations jo bhi hain to wo kon kon se pressure points aise hain jisko hum manage karke isko na sirf abhi ke liye balki aainda ke liye bhi hum utilize kar sakte hain ke jo hi Israel agar kuch bhi aisa kare to wo pressure points ekdam hum activate kar de taaki usko bhi pata chal sake ki nahi aisa main kuch bhi nahi kar sakta. Shukriya. देखिए जो आपके दो सवाल आते हैं उसमें जो दूसरा सवाल है कि प्रेशर पॉइंट्स वाला जो है उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप बनाए. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए हम अपनी हुकूमतों को इस बात पे अभी भी आप देखें जैसे अर्दोगान साहब हैं उनका जो पहले दिन मौकफ था वो आहिस्ता 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 चेंज होते होते उन्होंने 1 मिलियन मार्च कराया और अब वो लोग मतलब अपने प्रेशर के तहत वो उनकी चीजें चेंज हो रही हैं पिछले 1 महीने के अंदर. इसी तरह जो अमरीकी सदर हैं उनका भी मौकफ ह्यूमैनिटेरियन पॉजिस तक आ गया है और भी आगे जो है वो चेंज होगा. तो पॉइंट ये है कि आपने जो भी जब तक पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होगा तब तक जो है आप पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. और जब आप अपनी पॉलिसीज पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो ग्लोबल पॉलिसीज को कैसे करेंगे? तो अपनी अपने जो रूलर्स हैं या जो भी अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाएं. नहीं तो इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ जाता कि विच हैज द मेजर इंपैक्ट कि किसका सबसे ज्यादा कौन से कंट्री का रोल है जो प्रेशर पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिएट कर सकता है उसकी मींस के उस हिसाब से अलाइनमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव मुल्क होगा इसको काउंटर करने के लिए. पॉलिटिकल तो वो देखेंगे ही कि वहां पर पॉलिटिक्स कैसे करनी है. तो इस तरह कौन कौन से ऐसे नेशंस हैं जिसके पास मेन सोर्स है कि वो प्रेशराइज कर सके यूएस को या वेस्ट को कि इसराइल को कंट्रोल करे, वो कौन से मुल्क हैं? देखिए उसके अंदर तो सबसे पहले तो पाकिस्तान है, एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है. दुनिया में सिर्फ 8 ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर पावर है. ईरान का पूरा मुकदमा पढ़ ले, वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ ये सब कुछ हो गया. हमारे पास तो टेस्टेड है 98 से, तो वैल्यू है. दूसरी चीज ये कि जो अगर पाकिस्तान के अलावा नंबर 2 के ऊपर आप देखें ग्लोबल पावर इंडेक्स पे देखें जीपीआई एक इंडेक्स होती है उसमें नंबर 4 पे है पाकिस्तान. दूसरे नंबर पे कौन है? सबसे बड़ी फौज जो लड़ भी चुकी है इजिप्ट है. थर्ड के ऊपर कौन है? थर्ड के ऊपर टर्की है. टर्की के पास बहुत पावर है लेकिन वो नेटो वाला है, वो बगैर अमेरिका के घूम के कुछ कर नहीं सकता लेकिन फिर भी वो मतलब प्रेशर कर सकता है. तो ये तीन अहम ममालिक हैं इजिप्ट टर्की और पाकिस्तान जो कि कुछ कर सकते हैं एज फार एज द मिलिट्री इज कंसर्न यानी कि मिलिटेरियल वॉर के हवाले से. बाकी पॉलिटिकल के हिसाब से नहीं कतर और सऊदी है. अगर मिलिट्री को साइड पे कर देते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ मैं दूसरे हवाले से बता रहा हूँ इकोनॉमिक के हवाले से. कतर और सऊदी है, कतर सऊदी ये दो ऐसे मुल्क हैं जो कि इकोनॉमिकली चीजों को इतना मुश्किल बना सकते हैं कि इजराइल कुछ ना कर सके. और व्हाट अबाउट स्विस कैनाल? स्विस कैनाल जो है ना वो उसके वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. स्विस कैनाल जो है वो उसके ऊपर 1958, 1967, 1973 तीन दफा जंगें हो चुकी हैं इसी कैनाल के ऊपर. और उसका एक रिप्लेसमेंट जो है बिंगोरियन कैनाल के नाम से इजराइल बनाना चाह रहा है अकबा से गजा तक. तो अब ये चीजें ऑन द टेबल हैं. और जब भी इसने कोशिश करी मिस्र ने जो मैंने तीनों इंस्टेंसेस आपको बताए तो उसके नतीजे में जंगें हुई और उसके अंदर 73 में तो चले फिर उनको कुछ मिल गया लेकिन ओवरऑल जो है वो नहीं कर सका कुछ खास. तो ये आपके सामने है सिचुएशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था उसको
रिपीट करेंगे दोबारा प्लीज क्वेश्चन को स्पेसिफिक के व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स राइट नाउ के अभी कौन-कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा हैं और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा और उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम किसी भी ऑर्डर में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो अपनी पॉलिटिकल आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तो होनी चाहिए आपकी कोई सुने तो आप पार्टिसिपेट करें तो ना ही आपका अपने मुल्क के अंदर हमारा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है अवाम का और ना ही कौम के तौर पे पाकिस्तान का रीजन में कोई इन्फ्लुएंस है तो ये दो चीजें इन्फ्लुएंस नहीं है मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं प्रॉब्लम्स तो मतलब किस किसके प्रॉब्लम्स मुस्लिम उम्मा के प्रॉब्लम्स जो नहीं ग्लोब में सबसे बड़े बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं अभी तो यही दो है यूक्रेन वॉर चल रही है और एक ये गजा इसराइल मिडिल ईस्ट इशू ये दो तो मेन हॉट टॉपिक है सामने ही टॉप टू यही ओवरऑल मींस के आपको नहीं लगता कि इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ऑर्डर का है लॉ एंड ऑर्डर का या सिस्टम का आप कह सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर तो अपनी जगह मौजूद है ना अब या तो ऑर्डर को रिप्लेस करें उसके लिए तो फिर आपको यूएनएससी की टेबल पे जाना पड़ेगा ना या तो आप इतने पावरफुल हो इन पांच के बराबर ही हो कम से कम तो छठे को कंसीडर करेगा ना कोई तो यही मैं कह रहा हूँ ना पहला प्रॉब्लम तो यही है कि ग्लोबल ऑर्डर सही तरह से काम नहीं कर रहा आपको पता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है बट इट इज नॉट द सॉल्यूशन है तो है अपनी जगह लेकिन ये पहले नंबर पे नहीं आएगा क्रोनोलॉजिकल टॉप पे के अभी कोई ऐसा ग्लोबल ऑर्डर नहीं है जिसके तहत हम किसी भी मजलूम की मदद कर सकते हैं जी जी बिल्कुल ये तो एक्सपोज हो चुका है और थैंक यू फॉर दैट मैं तो कंप्लीट कर चुका हूं नाउ इट इज क्यू एंड ए सेक्शन एक्चुअली प्लीज आप खत्म करना चाहें ओके ओके शुक्रिया ओके थैंक यू उस्मान एंड अज़या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आसमा ज़हरा आसमा ज़हरा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आई एम मूविंग फॉरवर्ड जुनैद अस्सलाम वालेकुम अच्छा ये जो सवाल कर रहे थे ना भाई कि अभी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल में गजा वॉर से जो साफ जाहिर हुआ है वो ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनजस्टिस लैक ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स जो मतलब जो आप इक्वल ग्राउंड्स पे अपने लिए भी और दूसरों पे भी अप्लाई कर सकें ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और उसका वाहिद हल जो है वो यही है कि एक इक्वलेंट या उससे एक बड़ी एंटिटी पावर आके ना इसको मसले को हल करे तो वो इस्लाम ही है सोल्यूशन उसका और कोई सोल्यूशन है ही नहीं मतलब आप किसी तरफ से भी लेके आए तो आपके पास इस्लामिक शरिया सिस्टम खिलाफत का सिस्टम वो ही इस मसले को हल कर सकता है क्योंकि वहीं एक जगह है जहाँ पे एब्सोल्यूट मॉरल्स आपको मिलते हैं बाकी कोई भी सिस्टम जो मॉरल्स बना रहा है वो तो कंटिन्यूसली चेंजिंग है कभी भी चेंज हो जाएंगे कभी भी नया रूल आ जाएगा वो डेमोक्रेसी डिसाइड कर लेगी कि अच्छा भाई अब ये चीज़ ओके है तो वो चीज़ शुरू हो जाएगी तो इसका हल यही है कि इस्लामिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो और वो आपको जो है ना यूनिवर्सली उसको अप्लाई करे जस्टिस को सबको अमन को पीस को इकनॉमी को हर चीज़ को जो है ना वो मैनेज करे तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन उसके लिए हमें सबको ज़रूरत है कि मेहनत करें और अगर कहीं से भी इसकी आवाज़ लगती है फॉर एग्ज़ाम्पल अफगानिस्तान से भी लगी हुई कि भाई वो इस्लामिक सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो फिर जितना सपोर्ट उस सिस्टम को कर सकते हैं करें ताकि वो इतना पावरफुल हो कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस बन जाए एग्रीड प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज मैम मॉडरेट करें यस आई एम मूविंग मिस राफिया से क्वेश्चन हो चुका है राफिया अवान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मिस राफिया अपना क्वेश्चन पूछें मेरा क्वेश्चन ये था कि कतर और ईरान जो है वो पैलेस्टाइन को या हमास को क्यों सपोर्ट करते हैं मतलब क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल गेन ही हो सकता है क्योंकि वैसे तो अगर इनको वाकई में मुसलमानों के इतनी होती तो ये ईरान जो है वो बशार अल असद की हेल्प तो ना करता ना तो मेरा ये क्वेश्चन था
जी, ये दो पॉइंट, दो ममालिक की तरफ आपने इशारा किया है। ये रीजनल डोमिनेंस की वो है, दौड़ है, और कतर इसके अंदर जो है वो इस वजह से आगे है क्योंकि इस वक्त जीडीपी में पर कैपिटा वो सब टॉप पे है, और वो एक बहुत बड़ा ऑयल सॉरी गैस का रिसोर्स है, और इस वक्त जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं वो तो ईरान और सऊदी अरब से 79 के बाद जो लड़ रहे, लेकिन कतर जो है वो उसके बाद इसके अंदर थर्ड पार्टी के तौर पे सामने आया। अब उसके पास यही जगह तरीका था उसका कि वो जो इन दोनों के इन दोनों को मतलब ये कि ऐसी प्रॉक्सीज या ऐसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये दोनों सपोर्ट ना कर रहे हो या कोई एक सपोर्ट कर रहा हो जैसे तालिबान है या जैसे PIJ या हमास वगैरह है, तो उनको ये ऑफिस खोल के दे इस तरह के इनसे बात की जा सके। और उसने मतलब ये कि बहुत रोल प्ले किया तालिबान को वापस लाने में हुकूमत में अफगानिस्तान में, और वो ये चाहता मतलब वो इस तरह की एक एनवायरनमेंट डेवलप करना चाह रहा है कि जो है यहाँ से पावर्स जो है वो चली जाए या फिर मतलब कम से कम वो एक्टिवली ऑन ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो कम से कम। तो यकीनन तीनों दोनों के अपने अपने सियासी और रीजनल फवायद हैं, दोनों मार्केट का एक बड़ा पाई चाहते हैं और उसके लिए वो सपोर्ट करते हैं चीजों। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू जया। लेट मी अनाउंस के चैट में फीडबैक फॉर्म दोबारा से शेयर हुआ है, तो जिनके क्वेश्चंस हैं वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप और सेशन के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम तूबा शेख। तूबा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ग्राउंड इन्वेजन भी हो गया है गाजा में, और क्या आपको लगता है जया कि सीज फायर होने के चांसेस हैं करीब, या ऐसा नहीं होगा बल्कि इसराइल जो है वो पैलेस्टाइन की कंप्लीट एथनिक क्लेंजिंग करेगा और अपना जो है वहाँ पे टारगेट को अचीव कर लेगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ इंडिया भी जो है वो भी पाकिस्तान पे अटैक करने को तैयार है, तो और अगर वहाँ पे नितन्याहू जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है अपने टारगेट में अचीव करने में, तो फिर पाकिस्तान पे भी जो है वो एक अटैक जो है वो एक पोटेंशियल थ्रेट है, पॉसिबल है, तो काइंडली इसके बारे में मुझे बता दें। थैंक यू। देखिए, जो पहला एक एक सवाल ये कि पाकिस्तान का इस इससे कोई वो होगा, तो आई डाउट दैट, क्योंकि इंडिया की प्रोवोकेशन और जो हमारा है वो ये जरूर है कि पाकिस्तान को लोकली इंगेज किया जाएगा और वो किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे काफिलों पे हमले हो रहे हैं फौजियों के, और बहुत शहादतें हुई हैं ईरान बलूचिस्तान में भी और उधर KPK में और इधर शुमाली हजार में, तो हमें लोकली इंगेज किया जाएगा, वो सही है, वो तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये कि ग्लोबली आई डोंट सी एनी बिग इम्पैक्ट और रोल ऑफ पाकिस्तान इन दिस। और इंडिया जो है वो खुद अभी जो है वो अपनी इकोनॉमिक गेंस में लगा हुआ है। वो ये जो आइडिया था जो मैंने पहले प्लेस किया कि जो इंडिया से सामान UAE जाएगा वहां से बाय ट्रेन जो है वो इसराइल जाएगा, तो ये बात सही है कि इंडिया के इसराइल में बहुत हाई स्टेक्स हैं, लेकिन ये कि आप ये देखें कि फौरन ही इस अटैक के फौरन बाद कतर ने इंडिया के जो 8 नेवी के लोग थे, नेवल ऑफिसर्स थे, उनको सजाए मौत दे दी क्योंकि वो मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। तो कहने का मकसद यह है कि ग्लोबल इम्पैक्ट है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से खड़ा हो जाए, आई डोंट सी दैट। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि ये क्या अपने जेनोसाइड में कामयाब हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो। उसकी बुनियादी वजह यह कि इन्होंने भी अटैक जिस मौके पे किया है ना, वो आप देखेंगे पिछले एक साल से तेल अवीव में इसराइल में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। इसराइल इज एट इट्स लोएस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक लंबी वॉर, और हमास और PIJ इसी पे बैठ कर रहे हैं कि वो इनको कितने देर तक खींच के रखते हैं। ये वो लोग हैं जो इनकी जो इनविंसिबल का जो वो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, और ये कहते थे ना कि 6 days वॉर, हमने 6 दिन में 5 मुल्कों को हराया, तो अब आप देखें 40 दिन तक खींच दिया इन्होंने किसी तरह, तो दे आर रेडी फॉर इट, और ये लॉन्ग टर्म होगी,
और जेनोसाइड जो है वो कोशिश कर सकता है, लेकिन 2 मिलियन लोग हैं, और जो जॉर्डन और इजिप्ट है दे आर वेरी क्लियर, उन्होंने उन्होंने पहले दिन ये मैसेज दे दिया था कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट, यानी कि हमारे ये ना हो, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग तो भाग जाएंगे सब, वहाँ वहाँ हुकूमतें चेंज हो जाएंगी ज्यादा ज्यादा, लेकिन हमारी तो हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, सिसी की और ये अब्दुल्ला की, और अब्दुल्ला की हुकूमत जो है पिछले साल खत्म करने की कोशिश भी की थी इसराइल ने, उसके खिलाफ उसके छोटे भाई को बना रहे थे ये लोग, तो अब इन दोनों की जो है, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल गले पे तलवार रखी हुई है उनकी गवर्नमेंट्स की, तो दे कांट अफोर्ड इट, अदरवाइज वो लोग ले लेते ये जो जन इन लोगों को पुश बैक कर रहे थे दोनों साइडों पे, जो नेतन्याहू का पुराना प्लान है। तो व्हाट आई सी इन द नियर फ्यूचर के पीपल विल बी थ्रोन अंडर द बस, मतलब ये कि कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, जैसे अभी बरतानिया में होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया लॉन्ग, और इसी तरह कुछ लोगों की कुर्बानी दे दी जाएगी, और इंतजार किया जाएगा कि किसी तरह जो है ये चीज सेटल हो जाए, क्योंकि सब वेट एंड सी की पॉलिसी पे है इस वक्त। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी आपने बोला कि इसको चेंज करने के लिए रेवोल्यूशनरी तौर पे कोई भी कमिंग जो सुपर पावर है वो इसको टेक ओवर करेगी तो ये रुक सकता है, तो जैसे कि हम लोग एशिया में देख रहे हैं कि जो कमिंग सुपर पावर है वो चाइना है, तो क्या इस टाइम इस वॉर का पूरा बेनिफिट चाइना उठाने करके फ्रंट पे क्यों नहीं आ रही है? और हालांकि मुझे पता है इसको अमेरिका मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए इसने अपने हब्स बना रखे हैं, तो वो रोकता है इसे, लेकिन इस चीज़ में क्योंकि वो अभी फुल इन्वॉल्वमेंट जो है अमेरिका का वो इस लड़ाई की तरफ है, और क्योंकि नेतन्याहू ने ऑलरेडी बहुत सारे क्राइम वॉर क्राइम्स कर रखे हैं, तो जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहाँ पे एक जो प्रेशर है अपने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर वो इतना ज़्यादा है कि आवाम तो उसके फेवर में नहीं है, वो तो चाहती ही है कि हमारी कंट्री के जो हेड्स हैं वो कुछ ना कुछ करें, लेकिन वो तो ये अभी आपने पूरी खिचड़ी पकाई ना इन लोगों की कि यहाँ पे इन लोगों की इधर इधर टेरिटरी है, सबके अपने अपने बॉन्डेंस बने हुए हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते अपने यूएनएससी की वजह से। तो मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर चाइना तो उसमें इन्वॉल्व है नहीं कहीं पर भी, अभी तक आपने नाम नहीं लिया, तो चाइना क्योंकि अभी बहुत फास्ट मूवमेंट पे दिख रहा है कि वो कमिंग ईयर्स में रामे हो सकता है कि वही सुपर पावर हो, तो वो इस चीज का फायदा उठा के फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं वो, मतलब इतना कैपेबल है इंडिविजुअली, और जो नॉर्थ कोरिया है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत एस्टेब्लिशमेंट के फॉर्म में दिखाता है, क्योंकि यहाँ तो इंडिया में उसकी अलग ही इमेज बना के शो की जाती है, तो जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो और सुपर पावर को डोमिनेट करने की बात आती है तभी तो असल मौका होता है कि जो इतना बड़ा दुश्मन होगा उसके सामने आप उतनी ही बड़ी एक इमेज और फॉर्म कर सकते हैं और अपनी पावर का एक शो ऑफ कर सकते हैं, डेमोंस्ट्रेशन का एक बेहतरीन मौका है, तो वो क्यों नहीं निकल कर आ रहा है? मैं समझ गया आपका सवाल। जो चाइना का जो मैंने नाम लिया था पहले, ये चाइना और यूरोप यही दो बड़े कंज्यूमर्स हैं और वो ही ग्रो कर रहे हैं, और चाइना को जो है, चाइना जो है क्योंकि कंज्यूमर है तो उस वजह से जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला था जो पिछले 79 से आज तक ईरान और सऊदी का, तो वो उसी ने हल करवाया है। मतलब आप देखें कि ईरान और सऊदी की जो सुलह है वो अभी पिछले दो माह पहले उन्होंने चाइना ने ही करवाई है, और वो करवाने की वजह से ही ये पहली दफा हुआ इसी के इजलास में ईरान का सदर और बशार अल असद बैठे, वरना तो पिछले ये तो इजलासों में नहीं बुलाते थे अरब लीग में और वाईसी के इजलासों के अंदर। तो वो लोग इन लोगों को जोड़ रहा है, और वो क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके कंज्यूमर यही है, उसको ऑयल जो है वो चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, वो यहाँ से मिलेगा, और जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस को है, तो वो इस सिस्टम को अभी जो है वो खराब नहीं करना चाह रहा। अच्छा, दूसरी बात ये कि चाइना जो है वो क्यों खुल के सामने नहीं आ रहा और वो नॉर्थ कोरिया की तरह वो भी सामने आ जाए, मतलब इन सबको हेड ऑन ले ले, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाइना भी एक तरह का कैपिटलिस्ट है। इस वक्त यूएस का जो सबसे बड़ा डेटर है, यानी कि यूएस में जो सबसे ज़्यादा कर्जा वापस करना है वो चाइना का वापस करना है, तो चाइना जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर काम कर रहा है और हमेशा से करता रहा है, और वो उसके अंदर ये छोटे छोटे जो उसके नज़दीक जो छोटे छोटे इशूज़ होते हैं उनके अंदर वो एक साइड लेके जो है वो
अपनी ग्लोबल इमेज को खराब नहीं करना चाह रहा, तो वो अपने आप को एज अ मीडिएटर पब्लिश कर रहा है और उसने किया भी है, मीडिएट कराया भी है काफी चीजों को, और वो सिर्फ अपने मफादात को जो है वो सामने रखता है। इवन आप ये देखें कि दो दो चाइना के फ्रिगेट जो है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर सॉरी वो ये गल्फ में पर्शियन गल्फ में आए हैं, और वो सिर्फ किस लिए आए हैं कि वो अपनी ऑयल सप्लाईज को सिक्योर करने के लिए। तो स्पिल आउट के अंदर उसका बहुत बड़ा नुकसान उसका होता है जिसका पैसा लगा हुआ, तो पैसा जो इस वक्त लगा हुआ है वो चाइना का लगा हुआ है हर तरह, तो वो इस वक्त जो है वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके बड़े प्लान में ही है ये, टाइमिंग जो है वो सही नहीं है उसके हिसाब से एज फार एज आई कैन सी। और सेकेंड चीज जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसको इसलिए पुश कर रहा है, वो भी एक ग्रोइंग मार्केट है क्योंकि वो रिसेशन और इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, और दूसरा उसकी जो मेन सप्लाई थी गैस की रूस से वो जो है यूक्रेन वॉर की वजह से हट गई, तो वो भी अभी मतलब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लड़ने के लिए अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर के पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि जो इसको आप जितने भी बयान देखेंगे जितने भी सदरों के हर कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है स्पिल आउट वी डोंट वांट इट टू स्पिल आउट। तो स्पिल आउट का मतलब यही है कि आप बस इसको यहीं तक रखें और इसको जल्द अज जल्द खत्म कर दें, तो नोबडी कैन अफोर्ड एक्चुअली। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मलेरी, इसे हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और ये डिस्कशन यहाँ पे एंड नहीं हो रही है, आप सब अपने अपने ग्रुप्स में इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम मीडिया प्रोपेगेंडा पे बात करेंगे, उससे रिसर्च करें और उस पर भी डिस्कशन जो है ना अपने ग्रुप्स में स्टार्ट कर सकते हैं आप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।